ओके देखो, लास्ट टाइम हमने कैपेसिटेंस स्टार्ट किया था। कैपेसिटेंस के अंदर हमने क्या डिस्कस किया कि कैपेसिटेंस चार्ज को स्टोर करता है। सेकंड हमने किया कि कैपेसिटेंस कई तरीके के कैपेसिटर्स बनाए हमने। पहले आइसोलेटेड स्फीयर बनाया, फिर हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया, फिर हमने उसमें एक्सपेरिमेंट किया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हमने कोई कंडक्टिंग स्लैब को डाला, इंसुलेटिंग स्लैब को डाला, स्फेरिकल कैपेसिटर बनाया, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बनाया। और जाते हुए हमने लास्ट लेक्चर में किया कि जब कैपेसिटर सीरीज एंड पैरेलल में है तो क्या क्या चीजें सेम रहेंगी। अगर कैपेसिटर्स सीरीज में है तो चार्ज की वैल्यू हर कैपेसिटर पर क्या रहेगी, एग्जैक्टली सेम रहेगी, चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी। ये हमने डिस्कस किया, ठीक, ये हमने डिस्कस किया। और पैरेलल के अंदर क्या चीज सेम रहेगी, पोटेंशियल डिफरेंस वी सेम रहेगा। तो जब हम बोलते हैं चार्ज सेम रहेगा, इसका मतलब कि अगर ये कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर ने इसको क्यू चार्ज दिया, तो हमने इस प्रोसेस सीखा था लास्ट टाइम, तो हर के ऊपर क्यू चार्ज ही रहेगा। लेकिन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अगर वी है, इसके अक्रॉस वी वन है, वी टू है, वी थ्री है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वी विल बी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, ऐसा डिस्कस किया। और उसी तरीके से अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वी है, इसके अक्रॉस भी वी है और वी है, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है। पैरेलल के अंदर जो टोटल चार्ज क्यू है, जो बैटरी देगी, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसमें क्यू वन क्यू टू एंड क्यू थ्री में, राइट। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि अगर हम ये बोलते हैं कि हमारे घरों में इक्विपमेंट्स हैं, पंखे हैं, लाइट है, एसी है, सब कुछ चल रहा है, ये सब इक्विपमेंट सीरीज में कनेक्शन है या पैरेलल में कनेक्शन है? पैरेलल में कि सीरीज में? पैरेलल में है, ओके। जब हम बोलते हैं कि पैरेलल में है, मैं कैसे इसको व्यू करता हूं, जरा इसको जरा ध्यान से देखना, कैसे इमेजिन करता हूं। मेरे पास एक सॉकेट है, ये देखो, ये इसमें प्लग डालूंगा ताकि कोई बल्ब ऑन हो, तो दो तारे हैं, आप इसमें डालोगे और मान लो इनमें पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है, ठीक है, हम डालते हैं 220 वोल्ट है, सिंपल। तो आपने एक बल्ब लिया, इसके साथ आपने कनेक्ट किया, बल्ब ऑन हो गया। सपोज मेरे पास एक और बल्ब है, वो भी 220 वोल्ट पे चलेगा, इससे कम नहीं चलेगा मेरे पास, लेकिन ये होल्स दो ही हैं जिसमें तारे डल सकती हैं। अब मैं क्या करूं? अब आपने देखा होगा कि वो बहुत इलेक्ट्रीशियन क्या करते हैं, प्लग निकालते हैं, वो तारे, दो तारे हैं, दोनों को ज्वाइन, इधर से ज्वाइन, इधर से ज्वाइन, दोनों एक ही सॉकेट में डाल देते हैं। मेरे पास एक मिक्सी भी है जो मुझे चलानी है, इकट्ठी चलानी है दो बल्ब के साथ, पॉइंट यही है। अब वो तीन तारों का वो बनाएगा बंडल सा और उठा के उसे बीच में डाल देगा, तो क्या कर रहा है वो, एक बल्ब, दूसरा बल्ब इसी में डाल रहा है और तीसरी मिक्सी जो है वो भी इसमें डाल रहा है। ये देखो क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 220, इसके क्रॉस भी क्या मिल गया 220, इसके क्रॉस भी क्या है 220, इसके क्रॉस भी क्या है 220, तो सबको चलने के लिए 220 वोल्ट चाहिए। तो आपके सामने ये सब किसमें कनेक्टेड है, इन पैरेलल। अगर मैं सीरीज में लगाऊंगा तो सीरीज में वी डिवाइड हो जाता है। अगर 220 वोल्ट आ रहा है तो मान लो मेरा पैनल ले गया 20 वोल्ट, पैनल को मिला 20 वोल्ट, एसी को मिला अगला 50 वोल्ट, किसी मशीन को मिला 30 वोल्ट, टोटल 220 वोल्ट। अब हर किसी को अगर 20-20, 30-30 मिलेगा वो तो उठेगा ही नहीं, उतनी वोल्टेज से वो उठ ही नहीं पाएगा, वो स्टार्ट ही नहीं होगी डिवाइस। तो इसलिए सबको किसमें कनेक्ट किया जाता है, इन पैरेलल, ताकि सबको सेम वोल्टेज मिले। वोल्टेज का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस मिले। तो पॉइंट क्लियर है कि कैसे इमेजिन करना है। तो वही इसमें बताया गया कि अगर आपके पास एक बैटरी है, वी वोल्ट की बैटरी है, आपने एक कैपेसिटर लिया, ये एक कैपेसिटर लिया C1 लगा दिया इसके साथ, आपने एक और कैपेसिटर लिया जो इसी के साथ कनेक्ट कर दिया C2, आपने एक और कैपेसिटर लिया C3, इसी के साथ कनेक्ट कर दिया C3, तो ये सब इसमें कनेक्टेड है, इन पैरेलल। तो पैरेलल में अगर ये V है तो ये भी V, ये भी V एंड V एंड V, क्लियर है यहां तक? तो इसलिए पैरेलल के अंदर याद रखना V की वैल्यू विल रिमेन सेम, चार्ज डिवाइड हो जाएगा Q1 Q2 एंड Q3 में। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? आज के लेक्चर में हम आगे कुछ नहीं करेंगे, बस सीरीज और पैरेलल की आज सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, और मैं आपको वैरायटी दिखाऊंगा इसमें क्या क्या वैरायटी है, कि कैसे आपने देखना है कि सीरीज है, कैसे देखना है पैरेलल है, और इसके ऊपर आज हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो पहला न्यूमेरिकल है उसमें
सपोज करो आपके पास एक कैपेसिटर है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये आपके पास एक बैटरी है, ये बैटरी है। इस कैपेसिटर के ऊपर ये 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, और ये 10 वोल्ट की बैटरी है। आपको बताना है इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, एंड इसमें हर कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा, एंड हर कैपेसिटर पे वी क्या होगा। मैंने बता पूछा इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, हर कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा, हर कैपेसिटर पे वी क्या होगा, ये क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले ये तीनों किसमें कनेक्टेड है, इन सीरीज। सीरीज के अंदर मैंने फॉर्मूला करवाया था 1/Cs इज इक्वल टू 1/C1, 1/C2 एंड 1/C3। तो 1/Cs इज इक्वल टू 1/1, 1/1, 1/1, तो 1/Cs इज इक्वल टू 3, तो Cs की वैल्यू इज इक्वल टू 1/3 माइक्रोफेरेड। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई। अभी काम करें, हम इन 3 कैपेसिटर्स की जगह एक कैपेसिटर लगा रहे हैं विद द सेम बैटरी ऑफ 10 वोल्ट। तो ये 10 वोल्ट की बैटरी है और इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है, 1/3 माइक्रोफेरेड है। कोई डाउट इसमें? तो मैं तीन कैपेसिटर्स की जगह एक कैपेसिटर यहां पे लगा सकता हूं, राइट? ठीक है, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्लियर है? अगर मैं ये पूछूं इस पे चार्ज कितना है, क्यू, तो चार्ज विल बी इक्वल टू, चार्ज क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी। तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, 1/3 माइक्रोफेरेड 10^-6, और वी की वैल्यू कितनी है इसमें 10, तो ये इतने कूलम आपके पास चार्ज आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है, क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो Cs की वैल्यू 1/3 माइक्रोफेरेड है, माइक्रो का मतलब 10^-6, तो 1/3 इंटू 10^-6 इंटू वी कितना है इसमें 10। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो आपके पास चार्ज आएगा 1/3 इंटू 10^-5 कूलम, राइट? अब एक बात बताओ मुझे, ये कैपेसिटर किसका बना हुआ है, ये कहां से आया? वापस चलते हैं, ये कैपेसिटर इन तीन से बना हुआ है, कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में क्या चीज सेम रहती है, चार्ज। तो अगर टोटल चार्ज बैटरी ने इसको 1/3 इंटू 10^-5 कूलम दिया, तो इन तीनों के ऊपर चार्ज भी एग्जैक्टली क्या रहेगा, सेम, क्योंकि सीरीज के अंदर चार्ज क्या रहता है, एग्जैक्टली सेम। तो इन तीनों पे चार्ज भी क्या रहेगा, इस पे भी आएगा 1/3 इंटू 10^-5 कूलम, 1/3 इंटू 10^-5 कूलम, 1/3 इंटू 10^-5 कूलम। कोई डाउट इसमें? तो सीरीज में क्या रहेगा, क्या चीज सेम रहेगी, चार्ज। पैरल में क्या चीज सेम रहेगी, वी। तो सीरीज में क्या चीज सेम रहेगी, चार्ज, और पैरल में वी। बस ये दो स्टेटमेंट नहीं भूलना, आज का लेक्चर में यही दो यूज होगा। क्या स्टेप क्लियर है? अब आपसे ये पूछेगा कि इसमें वी बताओ क्या है। तो इस कैपेसिटर में अगर आपको वी निकालना है, वी, तो V क्या है, Q क्या है, C into V, V क्या है, Q divided by C, Q divided by C, तो इसका चार्ज कितना है, इसका चार्ज है 1/3 into 10
रेस टू पावर माइनस फाइव और c की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 6। तो सॉल्व करके चेक करना कितना आ रहा है, सॉल्व करके आ रहा है ये लो 10/3 वोल्ट। क्या स्टेप क्लियर है, क्या स्टेप क्लियर है? तो आपको इस कैपेसिटर का सी पता है, आपको इसका सी पता है और इसका क्यू पता है। तो क्यू पता है, सी पता है, तो वी तो निकाल ही लोगे। सिमिलरली इसके साथ भी सेम है, तो इसके साथ भी क्या आएगा 10/3 वोल्ट, इसके साथ भी क्या आएगा 10/3। ऐड करके देखो 10/3 प्लस 10/3 प्लस 10/3 विल गिव 10 वोल्ट, बिल्कुल सही है क्योंकि टोटल 10 वोल्ट डिवाइड हो गया 10/3 एंड 10/3। कोई डाउट इसमें? तो पहले आपने चार्ज निकाला, ये सीरीज में है, चार तीनों में क्या रहेगा एग्जैक्टली सेम। अब इसका सी पता है, चार्ज पता है, वी आ गया। सी पता है, चार्ज पता है, वी आ गया। सी पता है, चार्ज पता है, वी आ गया, तो वी की वैल्यू आ गई, राइट? क्या यहां तक सबको क्लियर है? तो सीरीज के अंदर चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी एग्जैक्टली सेम। क्लियर है यहां तक? अब सेम क्वेश्चन करते हैं किसके साथ, पैरेलल। पैरेलल के अंदर लेट अस सपोज आपके पास ये फर्स्ट कैपेसिटर है, ये आपका सेकंड कैपेसिटर है, ये आपका थर्ड कैपेसिटर है। तो ये लेट अस सपोज मैंने ऐसे कनेक्ट किया वायर्स के थ्रू, ये लो, ये लो, ये तीन कैपेसिटर्स मैंने लिए और ये लो, ठीक है। और सपोज दिस इज 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड और ये कितना है, ये 10 वोल्ट है। क्वेश्चन है इन सब के ऊपर आप एक तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है क्या होगी इनकी, दूसरा हर के ऊपर चार्ज क्या होगा ये बताओ, आपको हर कैपेसिटर का क्या बताना है, चार्ज बताना है क्या होगा, क्योंकि ये किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, C1 + C2 + C3। तो इन तीनों को ऐड करके एक कैपेसिटर लगाया जा सकता है जिसकी वैल्यू क्या आएगी 3 माइक्रो फैरेड। तो क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? और ये कितना है, ये 10 वोल्ट है। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? फिर से ये तीनों पैरेलल में है, पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता था, C1 + C2 + C3, ऐड करके एक आ गया। तो अब मुझको क्या निकालना है, मुझे इसमें निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, एक आंसर आ गया। मुझे निकालना है इन तीनों के ऊपर चार्ज क्या होगा। देखो एक बात बताओ, ये तीनों कैपेसिटर किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, और इसमें ये 10 वोल्ट है। तो पैरेलल में जितना बैटरी का पोटेंशियल है इन तीनों का भी एग्जैक्टली क्या रहेगा, सेम। तो अगर ये 10 वोल्ट है, अगर सपोज ये 10 वोल्ट है, तो ये भी कितने वोल्ट पे होगा, 10 वोल्ट, ये भी कितने वोल्ट पे होगा, 10 वोल्ट, ये भी कितने वोल्ट पे होगा, 10 वोल्ट। कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब इसके ऊपर चार्ज निकालना है। तो चार्ज क्या होगा, Q = C × V। इसकी C की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोफेरेड, 1 × 10⁻⁶। V कितना है, 10। आंसर क्या आ गया, 10⁻⁵ कूलम। सेम इन्हें मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आएगा 10⁻⁵ कूलम। यहां भी एग्जैक्टली सेम, कितना, 10⁻⁵ कूलम। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी आ गई पैरेलल के अंदर, C1 + C2 + C3, और आपको V सेम पता है पैरेलल में होगा, तो Q = CV से यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चार्ज। ठीक है, ये बेसिक्स हैं आज के लेक्चर के। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। सपोज करो आपके पास एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये तीसरा कैपेसिटर है, ये लो, राइट, ये एक बैटरी है, ये लो, ठीक है, ये 1 माइक्रोफेरेड है, ये 1 माइक्रोफेरेड है, ये 1 माइक्रोफेरेड है, और ये 1 माइक्रोफेरेड है, और सॉरी यहां पे बन गया ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है। आपको एक तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है इसकी, हर के ऊपर चार्ज निकालना है, हर कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। ऑनलाइन वाले को समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर।
2/3 देखो, तो आप क्या करेंगे इसमें, सबसे पहला काम आप ये करेंगे इसमें, ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, इन पैरेलल, इन दो की जगह एक कैपेसिटर लगा दें, इक्विवेलेंट कैपेसिटर, तो आपका डायग्राम जो बनेगा वो ये बनेगा, इस कैपेसिटर को छेड़ेंगे नहीं, इन दो की जगह एक कैपेसिटर लगा देते हैं, तो आपका इक्विवेलेंट डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, मैंने 1 को 1 रखा, 1 माइक्रोफेरेड, और 1 और 1 किसमें है, पैरेलल में, तो क्या आएगा 2 माइक्रोफेरेड, और ये कितना है, ये 10 वोल्ट है, कोई डाउट इसमें, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, इन सीरीज, तो क्या मैं ऐसा करूं इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर लगा दूं, और सीरीज के अंदर जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, देखो 1/C1 1/C2 ऐसे होता है सीरीज में फॉर्मूला, जब दो कैपेसिटर्स सीरीज में होंगे, तो यहां से अगर एलसीएम लें तो ये टर्म आएगी, सॉल्व करके रेसिप्रोकल लेके ये टर्म आएगी, राइट, ये आएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1/CS इज 1/1 + 1/2, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, 1/1 + 1/2 करके CS कैन बी कैलकुलेटेड, पर मैंने अपने मन में एक शॉर्टकट बना रखा है कि अगर मान लो दो कैपेसिटर्स हैं और दोनों सीरीज में है C1 C2, तो मैंने आंसर याद कर रखा है यार, C1 × C2 / C1 + C2, हालांकि आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जैसे वो रेजिस्टेंस इन पैरेलल का आंसर याद होता है ना, R1 R2 / R1 + R2, ऐसे ही मैंने याद किया हुआ है C1 × C2 / C1 + C2, कुछ इस तरीके से, पूछो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैंने किया हुआ है कि ये एक शॉर्टकट है, तो मैं अगर इसके अंदर इन दो कैपेसिटर्स की जगह एक कैपेसिटर लगाऊं, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लगाऊं, और ये मेरी बैटरी है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या लिखूंगा, 1 × 2/1 + 2, और ये शॉर्टकट से दो कैपेसिटर के लिए वैलिड है, C1 C2, तीन कैपेसिटर के लिए ऐसे सॉल्व करना पड़ता है, कोई शॉर्टकट नहीं है, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 2/3 माइक्रो फेरेड, 10 वोल्ट की बैटरी है, कोई डाउट इसमें, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या आ गई, 2/3 माइक्रो फेरेड, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। अब चार्जेस निकालने हैं, डायग्राम संभाल के रखना, स्टेजेस हैं 1 2 3, अब हम वापस जाएंगे 1 2 और 3, कैसे ये देखो, अब हम क्या करेंगे, हमें चार्जेस निकालने हैं, ये डायग्राम कहां से आया, यहां से आया, ये कैपेसिटर किसका बना हुआ है, इन दो का, कनेक्टेड इन सीरीज, और सीरीज में क्या चीज सेम रहती है, चार्ज, तो जो इसका चार्ज होगा वही इन दोनों का चार्ज होगा, एक काम क्यों नहीं करते, इसका चार्ज निकाल दो, तो इसका चार्ज क्या निकलेगा, Q = इसकी कैपेसिटी कितनी है, 2/3 × 10⁻⁶, और V कितना है इसका, 10, तो क्या आएगा, 2/3 × 10⁻⁵ कूलम, क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो आपने इसका चार्ज निकाल दिया टोटल। अब क्योंकि ये कैपेसिटर इन दोनों से बना हुआ है, कनेक्टेड इन सीरीज, तो चार्ज की वैल्यू विल रिमेन सेम, तो जो चार्ज इसका है वही चार्ज इनका है, तो इसका चार्ज कितना है, 2/3 × 10⁻⁵ कूलम, और इसका भी कितना, 2/3 × 10⁻⁵ कूलम, क्या ये पॉइंट क्लियर है, चार्ज आ गया, पर अब मेरे को तो इनका चार्ज निकालना है, अब ये डायग्राम कहां से बना, यहां से बना, एक आंसर तो आ ही गया एज इट इज, तो इसका चार्ज कितना है, 2/3 × 10⁻⁵, एक आंसर आ गया। अब इनका चार्ज निकाल लें, ये कैपेसिटर और ये देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, तो ये कैपेसिटर कहां से बना, इन दोनों से बना, कनेक्टेड इन पैरेलल, सही है। तो ये बताओ कि इसका वी और इन दोनों का वी विल रिमेन सेम, क्योंकि पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है, वी, सीरीज में क्या चीज सेम रहती है, चार्ज, तो यहां पर क्या आएगा, V, एक बात इससे पूछ लो तेरा V कितना है, जो भी इसका V होगा इन दोनों को दे देना, ये कहेगा मेरा V निकाल लो, क्योंकि मेरा C पता है, मेरा Q पता है, तो V क्या होगा, Q/C, तो V विल बी इक्वल टू, Q कितना है, 2/3 × 10⁻⁵, और C कितना है, 2 × 10⁻⁶, तो V की वैल्यू जो सॉल्व करके आ रही है वो आनी चाहिए 1/10⁻³ वोल्ट, सॉल्व करके 10⁻³ वोल्ट, क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो इसका अगर वी नहीं पता आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका सी पता है, क्योंकि इसका क्यू पता है,
और फॉर्मूला पता है क्यू इज इक्वल टू सी वी, वी इज इक्वल टू क्यू बाय सी, तो इसका चार्ज पता है, इसका सी पता है, तो क्या आ गया, वी आ गया। अब क्योंकि ये कैपेसिटर इन दोनों से बना हुआ है, कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में क्या चीज सेम रहेगी, वी। तो इसका वी कितना है, 10 10/3, तो इन दोनों का वी भी क्या रहेगा, 10/3 वोल्ट एंड 10/3 वोल्ट। क्या स्टेप क्लियर है, तो मैंने वी सेम कर दिया, कोई डाउट इसमें। अब मेरे को तो इसका चार्ज निकालना है, निकाल लो, तो इसका चार्ज क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू सी वी, इसका सी कितना है 1 × 10^-6, और वी कितना है 10/3, ये कूलम चार्ज है। इसका अगर चार्ज निकालना है तो 1 × 10^-6 × 10/3 कूलम, ये इसका चार्ज है। क्या ये स्टेप क्लियर है, क्या ये स्टेप सबको क्लियर है, कोई डाउट इसमें। ये फॉर्मूला, ये सी, ये टू है ना, मैं इसके ऊपर फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो इसके ऊपर लगाया, इसका सी पता है, इसका क्यू पता है, तो क्यू अपॉन सी करके आंसर, राइट। तो क्योंकि हमें इसका सी पता है, क्योंकि ये चार्ज भी आ गया नीचे से सेम, तो चार्ज पता है, सी पता है, तो वी आ गया। अब ये वी और वो वी सेम है, तो वहां से चार्ज आ गया, फॉर्मूला तो वही है, क्यू इज इक्वल टू सी वी, बार बार उसी को यूज करना है। कौन सीरीज में है इसमें, बताओ, आपको लग रहा है ये दोनों सीरीज में। सीरीज किसे बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं जब एक वायर है, एक वायर दौड़ रही है इस तरीके से, कुछ ऐसे, ये एक वायर है, इस वायर के बीच में आपने क्या लगा दिया, कैपेसिटर्स, ये सीरीज है। अब वायर सीधी जाए, वायर गोल भी घूम सकती है, इसके बीच में कितने भी कैपेसिटर लगाओ, ये सब सीरीज है, ऐसे भी घूम सकती है, एक कैपेसिटर यहां एक यहां, सीरीज है। पर जो आपको मैंने क्वेश्चन दिया उसमें सीरीज बन कैसे रहा है, वो बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपके क्वेश्चन के अंदर, ये देखो आपके क्वेश्चन के अंदर ये एक वायर था, बीच में जंक्शन आ गया, क्योंकि जो चार्ज आएगा वो स्प्लिट हो जाएगा यहाँ से 1 मिनट के लिए, तो चार्ज तो सेम होना जरूरी है, तो ये दोनों वैसी सीरीज में नहीं, ये हो नहीं सकते, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, एक वायर का जंक्शन आ रहा है। जंक्शन किसे बोलते हैं, जब दो अलग अलग वायर एक पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो जंक्शन बोलते हैं। और अगर दो कैपेसिटर्स कुछ इस तरीके से हैं, सी एंड सी, आप कहोगे ये तो सीरीज में है, पर अगर बीच में मैंने एक और वायर घुसा दी, अब ये सीरीज में कभी नहीं होंगे, अब ये सीरीज में कभी नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, अब ये क्या पैरेलल में होंगे, पैरेलल की गारंटी नहीं है, पता नहीं किस में होंगे, पर सीरीज में पक्का नहीं होंगे। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, हम देखेंगे क्वेश्चन टू क्वेश्चन कैसे चलेगा, बट एटलीस्ट सीरीज में तो नहीं होंगे। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, पॉइंट क्लियर है। तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन करें कुछ, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है, बोलो कौन सा। ओके, देखो ओके, आपको मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाना है, जिसमें ये तीन कैपेसिटर्स हैं और ये एक कैपेसिटर, चार, ये कुछ नहीं है, आप ऐसा मान सकते हो कि यहाँ पर 500 वोल्ट की बैटरी है, ऐसे लगा लो, दिस इज 500 वोल्ट की बैटरी, ऐसे, ठीक है। तो आपको हर कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है, ये क्वेश्चन है, हर कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है, करो ट्राई।
देखो एक एक ना कॉमन कंफ्यूजन है इसमें। कॉमन कंफ्यूजन क्या है कि कोई कहता है सर C2 और C4 पैरेलल में दिख रहे हैं मुझे। मैंने कहा पूछा कैसे, बोला कि एक के ऊपर एक है तो मुझे पैरेलल में दिख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं सोचना आपने। आप पैरेलल में किसी भी चीज़ को कैसे देखते हो, कैसे पता करते हो कि कोई चीज़ पैरेलल में है? तो पैरेलल में पता करने के लिए, जैसे सपोज करो ये आपके पास एक, मेरा पिछला क्वेश्चन था, जैसे इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल साफ मेंशन था कि ये पैरेलल में दिख ही रहा था, पर एक्चुअल में अगर आपको पैरेलल में देखना हो किसी भी चीज़ को, तो देखने का तरीका देखो। देखने का तरीका ये रहेगा कि सपोज ये एक जंक्शन है, ये एक और जंक्शन है, दो जंक्शंस हैं। जंक्शन का मतलब जहाँ पर मैं बोलता हूँ कि ये दो, ये कंबाइन हो रही हैं वायर्स, ये वायर और ये वायर, ये वायर, ये वायर। तो अगर मान लेते हैं कि ये जंक्शन V1 पोटेंशियल पे है और ये जंक्शन V2 पोटेंशियल पे है, और क्योंकि पूरे सर्किट में किसी भी वायर की रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो अगर ये V1 है तो इस प्लेट का टर्मिनल भी क्या हो जाएगा? V1, क्योंकि वायर की रेजिस्टेंस नहीं है तो V1 है तो V1। ऐसी अगर ये V1 है तो ये भी क्या हो जाएगा? V1। ये V2 है तो क्या हो जाएगा? V2। और ये क्या है? V2। तो पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में कितना है? V1 माइनस V2, और इसमें भी क्या है? V1 माइनस V2। तो ये दोनों किस में कनेक्टेड रहेंगे? इन पैरेलल। हाँ, वैसे भाई प्रैक्टिस आपको पता लग जाता है, आप देख लेते हो कि ये पैरेलल है, पर अदरवाइज अगर आपको टेक्निकली देखना हो तो पोटेंशियल बना बना के देखना होता है कि कैसे मैंने पैरेलल किए। क्लियर है यहाँ तक? अब उसी तरीके से अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, तो इस क्वेश्चन के अंदर पहली बात तो ये बड़े बड़े दो जंक्शन दिख रहे होंगे आपको, ठीक है? ये जंक्शन दिख रहे हैं। जंक्शन किसे बोलते हैं? इधर ये वायर आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, जंक्शन ही हुआ। ऐसी ये भी जंक्शन हुआ, ये वायर आ रही है, ये आ रही है, और ये भी आ रही है, जंक्शन है। अब मुझे पता है कि ये एक वायर है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, ये एक वायर है, इस वायर में कोई भी कैपेसिटर लगाएंगे, सब किस में कनेक्टेड माने जाएंगे? इन सीरीज। तो आप इसमें चेक कर सकते हो कि ये वायर मुड़ रही है, ये जंक्शन नहीं है। कई लोग दूसरे बैच में बोल भी रहे थे कि ये जंक्शन है, देखो नहीं, ये जंक्शन नहीं है, ये तो मोड़ है। तो ये मोड़ है, वायर मुड़ गई, दिस इज नॉट जंक्शन। जंक्शन उसे बोलते हैं एक और वायर आए, इसको टच कर जाए, ये जंक्शन है, राइट? तो अगर आपके पास ये एक वायर है जो यहां से यहां से यहां घूम रही है, तो आपको साफ पता लग रहा है कि ये तीनों किसमें कनेक्टेड है? इन सीरीज। आप इन तीनों की जगह एक कैपेसिटर लगाएं। फिर से देखो एक बार, इस क्वेश्चन को करना है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट देखें प्लीज, इस क्वेश्चन को करना है आपने। आवाज आ रही है? यस सर। ओके, देखो तो डिस्कनेक्ट हो गए थे, फिर से देखो एक बार। तो इसमें मैं ये बता रहा था कि ये एक वायर है, ये एक वायर है जो इस तरीके से मूव कर रही है, और ये जंक्शन है क्योंकि यहां से कई वायर जा रही हैं। तो इसके अंदर, ये एक वायर के अंदर तीन कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं, ये तीनों के तीनों किसमें कनेक्टेड हैं? इन सीरीज। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? तो आप ऐसा कर सकते हो, इन तीन कैपेसिटर्स की जगह एक कैपेसिटर लगा सकते हो। तो मैं यही करूंगा, थोड़ा इजी करता हूं आगे चलने की बजाय, मैं एक काम करता हूं, इन तीन कैपेसिटर्स की जगह मैं एक कैपेसिटर लगाता हूं। सबसे पहले ये देखो कैसे, सबसे पहले ये 10 10 10 और 10, आपको ये 10 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर्स गिवन है, और ये तीन सीरीज में है, तो 1/10, 1/10 एंड 1/10। तो 1/CS विल बी इक्वल टू कितना? 3/10। तो CS इज इक्वल टू कितना? 10/3 माइक्रोफेरेड। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इन तीनों कैपेसिटर्स की जगह आप सिंपल एक कैपेसिटर लगा दो जिसकी वैल्यू कितनी है? 10/3 माइक्रोफेरेड। बाकी सर्किट को बिल्कुल टच ना करो, एज इट इज बनाओ। ये वाला जो ये 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, इसको टच नहीं करना, और एक बैटरी लगा दो नीचे, कितने वोल्ट की? 500 वोल्ट की। क्या ये डायग्राम सबको क्लियर है? उन तीन कैपेसिटर्स की जगह मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया। क्या ये पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो ये कैपेसिटर लगा दिया तीन की जगह, और इसकी जगह एक लगा दिया, राइट? समझ में आ रहा है यहां तक? अब ये दो कैपेसिटर्स किस में कनेक्टेड है? इन पैरेलल।
और अगर आपको नहीं पता लगता पैरेलल, वैसे तो पता लग ही रहा होगा पैरेलल है, पर फिर भी मैंने क्या समझाया, ये जंक्शन है, ये जंक्शन है। मान लो इस जंक्शन का पोटेंशियल V1 है और मान लो इस जंक्शन का पोटेंशियल V2 है। अगर ये V1 है तो ये प्लेट भी किस पे है, V1 पे है, और अगर ये V1 है तो ये प्लेट भी किस पे है, V1 पे है, क्योंकि वायर की रेजिस्टेंस तो है नहीं, लास्ट टाइम किया था। और अगर वायर की रेजिस्टेंस नहीं होती, सिंपल वायर है, तो अगर ये कोना V पे तो ये कोना भी किस पे होगा, एट V होगा। ऐसी अगर V2 है तो ये भी V2 और ये भी V2, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कैपेसिटर्स में क्या आएगा, सेम, कितना, V1 माइनस V2। तो इसलिए दोनों के दोनों किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल। पर वैसे बाय प्रैक्टिस आपको पता लग रहा है, ठीक। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ एक मिनट, फिर समझाने के लिए था आपको। अब ये दो किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, आपने बोला। और अगर ये पैरेलल में है तो इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर लगा देते हैं, कनेक्टेड बाय 500 वोल्ट, ये रहा 500 वोल्ट। तो क्या ऐड करेंगे, 10 बाय 3 प्लस 10 कितना आ रहा है, 40 बाय 3 माइक्रोफेरेड। क्या ये स्टेप क्लियर है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तक सबको क्लियर है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर, ठीक है, यस सर, ओके, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अब वापस जाएंगे, इस डायग्राम से ये बना, इस डायग्राम से ये बना। अब मुझे ये समझ में आता है कि ये कैपेसिटर इन दोनों से बना, कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये कैपेसिटर इन दोनों से बना, कनेक्टेड इन पैरेलल, और पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है, V। तो अगर इसका V कितना है, इसका V 500, क्योंकि 500 वोल्ट इसको मिल गया, तो इसका V अगर 500 वोल्ट है तो इसका V भी 500 वोल्ट है और इसका V भी 500 वोल्ट है। कोई डाउट इसमें, क्योंकि V की वैल्यू विल रिमेन सेम, क्लियर है, ठीक है, V मैंने सेम कर दिया। अब चार्ज निकालने, इसके ऊपर चार्ज निकाल लेते हैं, इसका C पता है, इसका V पता है, तो इसका चार्ज क्या आएगा, Q इज इक्वल टू सी वी, तो 10 × 10 रेज टू पावर माइनस 6 इंटू V कितना है, 500। तो सॉल्व करके कितना आ रहा है, 5 × 10 रेज टू पावर माइनस 3 कूलम। कोई डाउट इसमें, चार्ज क्लियर है, ठीक है। तो आपको इसका, क्योंकि V पता है, क्योंकि इसका C पता है, तो चार्ज आ गया। सेम स्टोरी इसके साथ है, तो इसका भी चार्ज निकाल लो, तो इसका चार्ज क्या आएगा, 10 × 3 × 10⁻⁶ इंटू 500। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज क्या आएगा, 5 × 3 × 10⁻³ कूलम। कोई डाउट इसमें, चार्ज आ गया दोनों के ऊपर, V भी आ गया दोनों के ऊपर, ये स्टेप क्लियर है? देखो एक एक करके स्टेप क्लियर होगा, इकट्ठा करोगे तो आंसर नहीं आएगा। पहले आपको इक्विवेलेंट डायग्राम बनाने हैं, फिर इसका आपने V निकाला, ये क्योंकि इन दोनों से बना हुआ है इन पैरेलल, तो ये 500, तो ये भी 500। अब क्योंकि C पता है, V पता है, तो Q आ गया, C पता है, V पता है, तो Q आ गया, दोनों पे चार्ज आ गया। अब ये डायग्राम इनसे बना हुआ है, अब ये बताओ कि ये जो कैपेसिटर है वो इन तीन से बना हुआ है, कनेक्टेड इन सीरीज, और सीरीज में क्या चीज सेम रहती है, चार्ज। तो जो चार्ज इसका होगा वही चार्ज इन तीनों का होगा, तो इसका चार्ज कितना है, 5 × 3 × 10³⁻³, तो इन तीनों का क्या रहेगा, सेम, तो 5 × 3 × 10⁻³ कूलम, इसका भी 5 × 3 × 10⁻³ कूलम, 5 × 3 × 10⁻³ कूलम। और ये जो कैपेसिटर है, इसका चार्ज तो ऑलरेडी निकला हुआ है, कितना, 5 × 10⁻³ कूलम आंसर। क्या ये स्टेप क्लियर है? तो पहले आपको बीच में इंटरमीडिएट स्टेप्स बनाने पड़ेंगे प्रॉपर, उसके बाद फिर उल्टा चलना पड़ेगा, 1 2 3 फिर 3 2 1, ऐसे पहुंचेगा आंसर। समझ में आ रहा है यहां तक सबको? क्या स्टेप क्लियर है? स्टेप एक ही है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में अगर सीरीज से बना हुआ है तो चार्ज सेम है, और अगर पैरेलल से बना है तो वी सेम है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है? यस सर, ठीक। आप प्लीज इस क्वेश्चन को ट्राई करें, ये आपको गिवन है 100 200 200 100 पीको फेरेड, पीको का मतलब 10⁻¹², और ये बैटरी लगी हुई है 300 वोल्ट की, हर के ऊपर आपको चार्ज निकालना है, ट्राई करें प्लीज।
देखो सबसे पहले ये कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये दोनों पैरल में हैं या ये दोनों पैरल में हैं, तीनों पैरल में हैं, ऐसा नहीं है। सबसे आसान कड़ी को पकड़ना है आपने। सबसे आसान चीज़ क्या है, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, इन सीरीज। बस अगर आपको ये भी समझ में आ गया तो इसका एक नया डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। ठीक, तो आप इसमें ऐसा करें, ये दोनों के दोनों कैपेसिटर्स, क्योंकि ये एक लाइन का पार्ट है कुछ इस तरीके से, और इसके बारे में अभी कन्फ्यूजन है, कोई बात नहीं, इसको हम नहीं लेंगे अभी। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये दोनों के दोनों किस में कनेक्टेड है, इन सीरीज, राइट। तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या बनेगा, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा, ये रहा आपका 100 पिको फैरड, इसको टच नहीं करना। नेक्स्ट, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, इन सीरीज। तो सीरीज के अंदर सॉल्व करें तो मैंने बताया था C1 × C2 / C1 + C2, सॉल्व करके कितना आ रहा है, 100 पिको फैरड। क्लियर है? तो इन दोनों की जगह क्या लग गया, 100 पिको फैरड, और नीचे एज इट इज कैपेसिटर लगा दो 100 पिको फैरड का, और यहां पर एक बैटरी लगी हुई है 300 वोल्ट की। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है? यस सर। ठीक, अब मुझे एक चीज बताओ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है कि ये तीनों के तीनों किसमें कनेक्टेड है, इन पैरेलल। ऐसा लगता है, ये कॉमन मिस्टेक है, तीनों के तीनों पैरेलल। वैसे ऐसा है नहीं, ये दोनों ही पैरेलल में हैं और ये इसके साथ पैरेलल में नहीं है। कैसे पता लगा मुझे कि ये तीन पैरेलल में है या दो पैरेलल में है? हाँ, ये तो बात पक्की है, ये दो पैरेलल में है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ये तीसरा भी पैरेलल में है कि नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। कि मैंने इसका जंक्शन क्या माना, V1 पे, मैंने इसका जंक्शन क्या माना, V2 पे। तो अगर ये V1 है तो ये भी प्लेट किस पे आ गई, V1 पे, ये भी प्लेट किस पे आ गई, V1 पे, ये भी प्लेट किस पे आ गई, V1 पे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना? एक पॉइंट है V1 V1 V1, ठीक है। ठीक, ये V2, तो ये किस पे आ गया, V2 पे, ये किस पे आ गया, V2 पे। अब ये बीच में क्या आ गई, बैटरी। बैटरी कहती है कि मैं अपना पोटेंशियल इसको दे दूंगी, V2 के दूंगी। अब वो कितना देगी मुझे क्या पता, इसलिए ये V1 - V2, ये V1 - V2, ये V1 - V2 नहीं होगा, क्योंकि यहां पर क्या पोटेंशियल होगा वो कौन देगी, बैटरी देगी। अगर ये बैटरी ना होती, हाँ फिर ठीक है, फिर ये क्या आता, V2। फिर तीनों के तीनों किसमें कनेक्टेड होते हैं, इन पैरेलल। पर इस केस में आखिरी कैपेसिटर पैरेलल में हो नहीं पाएगा, क्योंकि बीच में क्या आ गई, बैटरी। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक कि मुझे कैसे पता लगा कि तीसरा कैपेसिटर भी लेना है पैरेलल में कि नहीं लेना? ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है? सबको क्लियर है? यस सर। ये स्टेप समझ में आ रहा है सबको, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। ओके, तो ये सिर्फ चेक करने का मैकेनिज्म है, जैसे मैं चेक करता हूँ। हो सकता है कोई बुक और किसी तरीके से चेक करती हो, मुझे मालूम नहीं है, पर मेरा चेक करने का सबसे पहला प्रिंसिपल यही रहेगा हमेशा, फटाफट चेक हो जाता है कि पैरल में है कि नहीं। तो मुझे ये समझ में आ गया कि ये दोनों तो पक्का पैरल में है ही हैं। तो एक काम करते हैं, इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर लगा लेते हैं, इसको टच नहीं करते, और ये आपकी बैटरी है 300 वोल्ट की कुछ ऐसे, ये लो। तो इन दोनों की जगह 100 और 100 क्या आएगा, 200 पिको, पैरल में आ गया और इसको टच नहीं किया, ये कितना है, 100 पिको फैरड। कोई डाउट इसमें? अब साफ पता लग रहा है कि ये एक वायर के अंदर दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, इन सीरीज। कई कहते हैं पैरल है, देखो ऐसे एक के ऊपर एक है, नहीं ऐसे मत देखो। अगर मैं एक वायर लेता हूं और एक वायर का कैपेसिटर यहां लगाता हूं, एक यहां लगाता हूं, तो ऑब्वियसली ये वायर का ही तो पार्ट है, चाहे वो स्ट्रेट हो चाहे ना हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो इसमें ये क्या रहेगा, इन सीरीज ही रहेगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? और वैसे भी एक बैटरी के साथ, सिंपल एक वायर के साथ दो कैपेसिटर कनेक्टेड हैं, तो ये किसमें कनेक्टेड है, इन सीरीज। तो सीरीज में, तो सीरीज के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या निकलेगी इसकी, 200 × 100 / 200 + 100, कितना आएगा, 200 / 3, इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई। तो इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर लगा लेते हैं
200 बाई 3 पीको फेरेड का, विच इज कनेक्टेड बाय अ बैटरी ऑफ 300 वोल्ट। क्या यहां तक सबको क्लियर है? ये स्टेजेस क्लियर है? क्या स्टेजेस है बीच में? कोई डाउट इसमें? ये वाला, ये दोनों किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। ये 100-100 पैरल में है। पैरल में ये कैसे? ये तो वैसे भी दिख ही रहे हैं पैरल में, नहीं तो ऐसे कर लो। ये पैरल में समझ में आ गए? पहले इन दो को हटा लो, 100-100 पैरल में, तो 200 पहले एक लगा लो। इसको तो छेड़ा ही नहीं ना, इसको तो ऐसे रख दिया, इसको टच ही नहीं किया, उसकी जगह ये लगा दिया। अब देखो ना, ये सीरीज में नहीं हो गए, जंक्शन कहाँ है इसमें? वहां पे, इसमें। इसमें बताया था कि अगर ये V1 है तो ये भी V1 है, तो ये भी V1 है, ये भी V1 है। ये अगर V2 है तो ये V2 है, ये V2 है, पर ये V2 नहीं है क्योंकि बीच में बैटरी आ गई ना। तो ये दोनों पैरल में है, V1 माइनस V2 इसके साथ पैरल में नहीं है, तो इसलिए इन दोनों को कनेक्ट करके एक लगा दिया, इसको एज इट इज लिख दिया। ठीक, तो कुछ ऐसा है। ओके, क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक है, हमने तो इसके ऊपर, हर के ऊपर चार्ज निकालना है, वैसे तो हमारा तो क्वेश्चन ही कुछ और है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चार्ज। चलो वापस चलते हैं, ध्यान से देखो फिर से, ये देखो। अब एक काम करते हैं, देखो ये कैपेसिटर किससे बना हुआ है? इन दोनों से, इन दोनों से कनेक्टेड इन सीरीज। ये दोनों किसमें थे? सीरीज। तो वापस चलते हैं, तो ये कैपेसिटर इन दोनों से बना हुआ है इन सीरीज, और सीरीज में क्या चीज सेम रहेगी? चार्ज। तो इससे पूछ लो तेरा चार्ज कितना है, तो चार्ज कैलकुलेट करके बताएगा। 200 बाई 3 पीको का मतलब 10 की पावर -12 इंटू वी कितना है? 300। तो क्यू की वैल्यू आएगी यहां से 2 × 10⁻¹⁸ कूलम। क्या स्टेप क्लियर है? तो क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी करके हमने इसके ऊपर क्या निकाल लिया? चार्ज निकाल लिया। ठीक है यहां तक? तो ये चार्ज आ गया। अब क्योंकि ये कैपेसिटर इन दोनों से बना है, कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में चार्ज क्या रहेगा? सेम। तो अगर चार्ज 2 × 10⁻¹⁸ है, तो इसके ऊपर भी क्या रहेगा? 2 × 10⁻¹⁸ कूलम। इसके ऊपर भी 2 × 10⁻¹⁸ कूलम। क्या स्टेप क्लियर है? क्योंकि सीरीज में चार्ज की वैल्यू विल रिमेन सेम। कोई डाउट इसमें? ठीक है, ठीक है यहां तक? चार्ज सेम। आगे, अब ये कैपेसिटर, ये वाला 200 वाला किससे बना है? उन दोनों से, कनेक्टेड इन पैरेलल। कोई डाउट इसमें? ये कैपेसिटर उन दोनों से कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में क्या चीज सेम रहेगी? वी। तो पूछ लो ना, इससे पूछो तेरा वी कितना है, वो कहता है कैलकुलेट करके बता देता हूं। तो इसका वी क्या होगा? क्यू डिवाइडेड बाय सी। तो वी विल बी इक्वल टू, इसका चार्ज बोलो कितना है? 2 × 10⁻¹⁸, और कैपेसिटेंस कितनी है? 200 × 10⁻¹⁰। सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ रहा है? 100 वोल्ट। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये कैलकुलेट करके बताएगा, इसको, इसका सी पता है, इसका चार्ज पता है, तो क्यू इज इक्वल टू सी वी, वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी से कैलकुलेट करके ये बोलता है मेरा वी कितना है? 100। अब सोचो, इसका अगर 100 वोल्ट है, टोटल 300 वोल्ट है, तो इसका कितने वोल्ट है? 200 वोल्ट है, क्योंकि सीरीज के अंदर 200 + 100 विल गिव 300। क्या स्टेप क्लियर है? ठीक है यहां तक? तो इसका कितने वोल्ट आ गया? 100 वोल्ट। ये किससे बना हुआ है? इन दोनों से, कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अगर ये 100 वोल्ट पे है, तो ये भी कितने वोल्ट पे है? 100 वोल्ट पे है। ये भी कितने वोल्ट पे है? 100 वोल्ट पे है। कोई डाउट इसमें? स्टेप समझ में आया यहां तक? पैरेलल में वी सेम रहेगा। अब आपको इसका चार्ज निकालना है, चार्ज निकाल लो, क्योंकि आपको इसका सी पता है, क्योंकि वी पता है। बोलो इसका चार्ज क्या होगा? क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी। तो सी कितना है? 100 × 10⁻¹⁰, और वी कितना है? 100। सॉल्व करके क्यू कितना आ रहा है? 10⁻¹⁸ कूलम। तो इसका चार्ज कितना आ गया? 10⁻¹⁸। अब ये कैपेसिटर किसका बना हुआ है? इन तीनों से, नहीं, इसके ऊपर, सॉरी, एक आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया 10⁻¹⁸, ये एज इट इज लिख दिया मैंने। ठीक है, उसी तरीके से इनकी वैल्यूज एग्जैक्टली सेम है, तो इसके ऊपर चार्ज भी सेम आएगा, 10⁻¹⁸
8 कूलम्ब सेम आएगा। अब ये कैपेसिटर किसका बना हुआ है, इन दोनों से कनेक्टेड इन सीरीज, और सीरीज में चार्ज विल रिमेन। तो अगर इसका चार्ज 10 की पावर माइनस 8 है तो इसका चार्ज भी 10 की पावर माइनस 8, इसका भी 10 की पावर माइनस 8, तो दो तीन आंसर आ गए। अब इससे पूछें तेरा चार्ज कितना है C4। अब देखो C4 की कहानी ऐसी है, ये रहा C4, ये रहा इसका चार्ज, तो ऑलरेडी हम निकाल ही चुके हैं कितना 2×10⁻⁸ कूलम, ये सारे चार्जेस आ गए डन, कोई डाउट इसमें, ये इसका फाइनल आंसर है। मेथड समझ में आ रहा है, मेथड वही है कि पहले ये आइडेंटिफाई करो कौन सीरीज और कौन पैरेलल, फिर इसकी स्टेजेस बनाओ, फिर उसके बाद अगर सीरीज सेम है तो चार्ज सेम करते जाओ, अगर पैरेलल है तो वी सेम करते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। बोलो ज्वाइन मतलब C4 और C1 का सेम क्यों होगा, कौन सीरीज में है, C4 C1 सीरीज में होते तो मैं क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट ना करता, C1 C4 सीरीज में है चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने कब कहा, मैंने कहा ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन सीरीज में है, ऐसे अगर सीरीज हो गए फिर तो क्वेश्चन कुछ और ही हो जाता। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम सुनो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट ये पूछता है कि सर हमें ना एक तरीका बता दो, हमें ना समझ नहीं आ रहा कि कौन से कैपेसिटर सीरीज में और कौन से पैरेलल में, बस ये सिखा दो बाकी तुम कर लेंगे। सही है, जेन्युइन क्वेश्चन है यार कि ये सबसे, क्योंकि बाकी तुम कर ही लेंगे। तो अगर मेरे पास इसका शॉर्टकट होता तो पूरे 10 महीने का कोर्स 9 महीने में कवर होता, क्योंकि एक महीना 15 दिन कैपेसिटर्स पे देखने में लगेंगे सीरीज पैरेलल, और 15 दिन रेजिस्टर्स को समझने लगेंगे सीरीज पैरेलल, एक महीना सिर्फ सीरीज और पैरेलल की वैरायटी ही देखते जाओगे। तो मेरे से मत पूछना कि सर कोई शॉर्टकट बताओ ऐसे पता लग जाए, इसका एक ही तरीका है, वैरायटी को देखते जाओ और समझते जाओ और प्रैक्टिस करते जाओ, और कोई तरीका नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट लिमिट है। ये इतने बड़े बड़े आपको नेटवर्क मिलेंगे इसमें कि शायद प्लस टू खत्म हो जाएगी, मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, लेकिन अगर आप ये कहो सर आप सारे इक्विवेलेंट कैपेसिटर सॉल्व कर दोगे, मैं नहीं कर सकता। आप कहोगे सर अगर आप ही नहीं कर सकते हम कैसे करेंगे, इतने कर सकता हूं जितने पेपर में और आपके प्लस टू के अंदर बनते हैं क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि आपने गूगल से उठाया इतना बड़ा जाल उठा के कैपेसिटर का डाल दिया और कहो सॉल्व करो, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कौन करेगा, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स करते हैं। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं उनको इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स बहुत बढ़िया तरीके से उनका कोर्स है ये, उनके पास बहुत तोड़ है, स्टार डेल्टा मेथड जैसे बहुत तरीके के मेथड है उनके पास, जिसको बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को छोटा करते हैं, पर वो इस प्लस टू लेवल का काम नहीं है, वो थोड़ा और लेवल का काम है। तो हम क्या करेंगे, हम तो लीनियर अप्रोच फॉलो करेंगे, हम एक एक करके वैरायटी देखते जाएंगे, और आज मुझे इतना पता है कि अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी तो आप कुछ करके थोड़ा बहुत अपना आंसर निकाल सकते हो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में। लेकिन अगर कल को नया क्वेश्चन आएगा फिर क्या करेंगे, फिर शीट खोलते हैं और देखते हैं और नए नए टाइप के कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर, तो इस को यहाँ पे अगर हम क्लोज करें और शीट नंबर 29 पे आए, नहीं शीट नंबर 29 नहीं शीट नंबर 30 पे आए, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है शीट नंबर 30 में। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको तीन कैपेसिटर्स गिवन है, 1, 2 और 3, देख रहे हो, यहां एक बैटरी कनेक्टेड है 4200 वोल्ट की, राइट। आपको एक मीटर गिवन है यहां पर जो चार्ज को मेजर करता है। क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने इसको स्विच ऑन कर दिया तो ऑब्वियसली ये चार्ज होंगे, तो इसमें से कितना चार्ज पास हो गया ये बताओ, तो ऑब्वियसली टोटल चार्ज बताना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से जो चार्ज जाएगा वो आगे फर्दर इन तीनों में डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे को वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज, क्लियर है यहां तक। तो
तो एम का मतलब मीटर क्या मेजर करेगा आपका, टोटल चार्ज मेजर करेगा जब आप स्विच को ऑन करोगे। पहला क्वेश्चन, मुझे क्या बता सकते हो ये तीन कैपेसिटर्स किसमें कनेक्टेड है, सीरीज की पैरेलल, पैरेलल। कुछ कुछ आपको दिखना स्टार्ट हो गया लेकिन अभी हर क्वेश्चन में तो नहीं होगा, अगर फिर भी नहीं दिख रहा तो ये देखो, ये एक जंक्शन लिया मैंने, मान लो ये V1 पे है, मान लो ये V2 पे है, ये V1 है तो ये वायर की रेजिस्टेंस नहीं है तो ये भी V1 है, ये भी V1 है तो ये भी V1 है, तो ये भी V1 है, ये भी V1 है, क्योंकि रेजिस्टेंस ही नहीं है, हर तरह V1 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 कॉपी हो जाएगा। उसी तरीके से ये V2 है तो ये क्या है, ये V2 है, ये क्या है, ये V2 है, ये क्या है, ये V2 है, ये क्या है, ये V2 है। तो आप चेक करो V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, तो ये तीनों किसमें कनेक्टेड है, इन पैरल। हालांकि आपको वैसे भी दिख रहा होगा ये पैरल है, क्लियर है यहाँ तक। तो अगर ये पैरल है और हर कैपेसिटर की जो वैल्यू है, कैपेसिटेंस 25 माइक्रोफेरड का कैपेसिटर है, तो सी और सी और सी पैरल के अंदर सी प्लस सी प्लस सी कितना आएगा, 3C। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आएगी, 3C, सी आपको 25 माइक्रोफेरड पता है तो यहां से क्या आएगा, 75 माइक्रो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई। कोई डाउट इसमें, आपको टोटल वी पता है 4200 वोल्ट, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता है, क्यू इज इक्वल टू सी वी मल्टीप्लाई करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चार्ज, मिली कूलम में रहने दो, कूलम तो छोड़ दो, सफिशियंट है। मेथड क्लियर है, टोटल चार्ज निकालना है, कैसे टोटल चार्ज निकलेगा, कोई डाउट इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर और ये बैटरी, ये नेटवर्क है, ये आपका पूरा सर्किट है, आपको इसमें ये बताना है कि सी वन सी टू सीरीज में है या पैरेलल में है। कितने लोगों को पहले इंस्टेंट में लगता है कि ये सीरीज में है के बाद एक, और कितनों को लगता है नहीं ये सीरीज में तो नहीं है, कम से कम नहीं है, क्यों, क्योंकि बीच में क्या आ गया, जंक्शन है, तो चार्ज डिवाइड हो जाएगा, जबकि सीरीज में चार्ज क्या रहता है, सेम, तो कम से कम ये सीरीज में नहीं है। पर अगर ये सीरीज में नहीं है तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है किसी भी नेटवर्क में या किसी भी सर्किट में कि फिर ये पक्का पैरेलल में होंगे ही होंगे। सीरीज का तो हाँ या ना बता सकते हो, पैरेलल होंगे या नहीं होंगे क्वेश्चन में डिपेंड करता है, कई बार पैरेलल में नहीं निकलते, वो कॉम्प्लेक्स कैटेगरी हो जाती है क्वेश्चन की, जब आपको सीरीज भी नहीं दिख रहा, जब आपको पैरेलल भी नहीं दिख रहा, फिर वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। लेकिन आपको सीरीज पैरेलल दिख रहा है फिर वो एक लेवल का क्वेश्चन है, राइट। तो उसका क्या तोड़ है जब ना सीरीज है ना पैरेलल है, वो फिर बात की बात है, थोड़ा स्टेज टू है वो आपकी, जब हम फंस जाएंगे समझ में नहीं आएगा उसको, उसका कुछ और शॉर्टकट निकालेंगे हम, बट फिलहाल के लिए ये डायग्राम है, आपको कुछ नहीं आता, आपको V1 V2 का रैंडम मेथड ही आता है, बस एक लगा के देख सकते हो, वो भी पता नहीं लगेगा नहीं लगेगा, प्रैक्टिस के साथ लगता है। तो मैंने क्या किया, ये बैटरी है, बैटरी के दो टर्मिनल्स हैं, तो मैंने मान लिया कि ये टर्मिनल V2 पे है और ये टर्मिनल V1 पे है। तो अगर ये टर्मिनल V1 पे है, अगर ये टर्मिनल V1 पे है तो ऑब्वियसली ये पॉइंट भी किस पे होगा, V1 पे, और ऐसे ही यहाँ पे जाओगे तो ये पॉइंट भी किस पे हो जाएगा, V1 पे। ये तो कॉपी होता जाता है, जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, कोरोना की तरह है, जहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, मास्क नहीं है, बस वहाँ पर फिर उसके बाद ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है, सेम है। तो चेक करो, ये अगर V1 है तो क्या बताया, ये V1 है और ये भी V1 है, अगर ये V2 है तो ये V2 है, तो ये भी V2, ये भी V2, क्लियर है यहाँ तक, साफ पता लग रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी वन माइनस वी टू, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी वन माइनस वी टू या वी टू माइनस वी वन एक ही बात है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये दोनों कैपेसिटर्स किसमें कनेक्टेड है, इन पैरेलल। अब एक बारी में ऐसे दिखते नहीं है, बट हाँ आपने ये क्वेश्चन कर लिया ना, तो जैसे दो क्वेश्चन आपके नॉलेज बैंक में जा चुके हैं कि अगर उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूँगा, एक और क्वेश्चन आपके नॉलेज बैंक में जा रहा है कि अगर इस टाइप की वैरायटी आएगी तो मैं बैटरी के टर्मिनल लगा के चेक करके देख सकता हूँ कि सीरीज में है या पैरेलल में है। तो इस क्वेश्चन में ये दोनों कैपेसिटर्स किसमें कनेक्टेड है, इन पैरेलल। तो अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो मैंने एक इजी डायग्राम बना लिया है इसका, क्या ये दोनों पैरेलल में है और ये बैटरी है वो भी पैरेलल में है, सब पैरेलल में है, तो डायग्राम इजी बना लिया, ये 5 और 6 पैरेलल में और नीचे एक बैटरी है, एक ही बात है, मतलब वो बना लो ये बना लो क्या फर्क पड़ रहा है, सेम ही तो है, क्योंकि उसमें सी वन सी टू पैरेलल में है नीचे बैटरी है, इसमें भी सी वन सी टू पैरेलल में नीचे बैटरी है, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो आपको इसमें क्या निकालना है, चार्ज सप्लाइड बाय दी बैटरी, यानी कि टोटल चार्ज निकालना है क्या होगा। तो ये दोनों अगर पैरेलल में है, 5 और 6 पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 5 प्लस 6 11, ठीक हो गया, और बैटरी कितने 10 वोल्ट की,
चार्ज निकालना है, क्यू इज इक्वल टू सी इन टू वी, कैपेसिटेंस 11 माइक्रो फैरेड है, 10 की पावर -6, और वी कितना है 10, मल्टीप्लाई आंसर। क्लियर है? ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? कमल ठीक है? ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को एक बार देखना प्लीज, क्या आप इसमें देख पा रहे हो कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में? अगर मैं आपको कहूं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, ये बैटरी है और ये तीन कैपेसिटर्स हैं, आपको निकालने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो आप क्या देख पा रहे हो कौन सीरीज में कौन पैरेलल में? एक बार प्लीज दिमाग लगाओ। C2 C3 पैरेलल, ओके। C1 C2 सीरीज नहीं हो सकते, बीच में जंक्शन ने काम खराब कर दिया, चार्ज लीक हो जाएगा आपका यहां से, बीच में तो सेम मिलेगा ही नहीं उसको, तो कम से कम C1 C2 सीरीज में नहीं है। ठीक हो गया। दूसरा, C1 और C3 क्या पैरेलल में है? ये क्वेश्चन माइंड में आएगा। दूसरा, C3 और C2 पैरेलल में है? ये क्वेश्चन माइंड में आएगा। देखो, जहां बैटरी लगी होती है ना, बैटरी, उसको सबसे एंड में छेड़ना होता है। बैटरी ने काम खराब करना ही करना है, वो अपने हिसाब से चीज को चलाती है। तो अगर ये बैटरी लगी है और आप सोचो पैरेलल कर दूंगा, तो कैसे करोगे? बैटरी अपने हिसाब से काम चलाएगी। तो चलो, आप नहीं समझ पाए कैसे चेक करना है, कोई बात नहीं, आपको ये तो समझ में आता है ये जंक्शन है, आप इस जंक्शन का पोटेंशियल V1 ले लो, ये एक जंक्शन है, V2 ले लो। अगर ये V1 है तो ये भी V1 है, अगर ये V1 है तो ये भी V1 है, ये V2 है तो ये भी V2 है, और ऐसी ये भी V2 है। आप चेक करो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 - V2, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 - V2। तो ये दोनों किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो कनेक्टेड इन पैरेलल। आप कहोगे ये गेम यहां पे तो चल सकती थी, करके देख लो, ये देखो करके दिखाता हूं। ये V1, तो ये भी कितना, V1, राइट। यहां पर V2 नहीं हो सकता, क्योंकि ये V2 करना चाहता था, बीच में कौन आ गई? बैटरी। कहती है अपना लगाऊंगी, कितना लगाऊंगी बताती नहीं है, जो भी लगाएगी लगाएगी, पर कम से कम V2 नहीं लगाएगी, इसलिए इसके साथ इसकी गेम बनेगी नहीं, इसके साथ तो बनी गई। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है? और वैसे भी अगर ऐसे नहीं देखना, ये वायर टेढ़ी की हुई है ना, और तो कुछ नहीं है, इस कैपेसिटर को यहां नहीं लगाऊंगा यहां लगाऊंगा कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, यहां नहीं लगाऊंगा यहां लगा दूंगा कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो देखो वैसे ही दिख रहे हैं दोनों किसमें, इन प्रैक्टिस से देखेगा, वैसे जरूरत नहीं है, प्लेसमेंट चेंज कर दी उसकी मैंने, बट V1 V2 वाला तरीका ज्यादा बेटर है, इससे बिल्कुल क्लियर पता लग रहा है ये पैरेलल है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? नहीं, ये V1 ये V2 ले लिया, अगर ये V1 तो ये V1, ये V1 तो ये V1, ये V2 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 दिख तो रहे, V1 - V2 V1 - V2, पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है ये वाला, वहां यहां इस पे ये जंक्शन का कॉपी हो गया ना, वो तो थर्ड अगली स्टेज है ना, पहले तो जंक्शन है ना, जंक्शन पे कुछ तो होगा, वो कुछ तो V2 है, फिर V2 कॉपी कर दिया, चाहे V2 बैटरी का ही है कोई बात नहीं, कुछ तो है ही। तो अगर ये बैटरी ने ही दिया V2, चलो ये बैटरी का भी V2 है, चलो तो अब तो कोई दिक्कत नहीं, पर यहां पे बैटरी V3 दे रही है, मान लो V1 तो जरूरी नहीं कि देगी, आपको कि V1 देगी, पर बीच में कैपेसिटर है, तो यहां पर V3 देगी, V2 कुछ देगी नहीं ऐसा, तो इसलिए इसके साथ इसकी कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं। देखो ये एक V1 है, ये V2 है, ये समझ में आ गया V1 V2, तो ये दोनों पैरेलल में है, ओके। मुझे इसके बाद कुछ समझ में नहीं आया, जो समझ में आया उसका बना ले पहले, आसान कर ले। देखो कहीं से तो आप तोड़ निकालोगे ही ना, जहां से निकालोगे उसको तो सॉल्व कर। आप अगर ये सोच रहे हो ना मैं सर्किट देखूंगा, अच्छा ये सब कुछ नहीं, आपको जो समझ में आया बस आपने उसको क्रैक कर देना है। ये समझ में आ गया,
कोई बात नहीं, आप सिंपली ये काम करो, आपको ये पता लग गया ये दोनों किसमें हैं, पैरेलल में। आप एक काम करो, इन दोनों की जगह सिंपली एक कैपेसिटर लगा दो, बस इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर लगा दो। डायग्राम पता है क्या बनेगा, ये C1 है, इन दोनों की जगह एक लगा दो सी डैश, और ये 6 वोल्ट की क्या आएगी, बैटरी। ये लो, ये बन गया डायग्राम, खत्म। आप सॉल्व ही ना करो ना बैटरी की तरफ से कुछ भी, मैंने बोला था बैटरी की तरफ से कुछ भी सॉल्व करने की कोशिश मत करो, आंसर नहीं निकलेंगे। बैटरी के बिल्कुल एंड से, एंड का पॉइंट है, वहां से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। यहां तक जो समझ में आया उसको तो क्रैक कर लिया, पूरा सर्किट ब्रेक हो गया, ठीक है। जबकि मैंने इसको ऐसे बनाया कि ये दोनों किसमें हैं, इन पैरेलल, ये पैरेलल कर दिया, और जो आंसर आएगा इसके साथ इन सीरीज। तो ये देखो, तो क्या ये डायग्राम क्लियर है, तो मैंने बताया ये दोनों पैरेलल में है, तो ये देखो ये दोनों पैरेलल में है, और जो आंसर आएगा इसके साथ इन सीरीज, ये सीरीज, और ये क्या है, बैटरी 6 वोल्ट की। चेक कर लो इस डायग्राम और इस डायग्राम में कोई फर्क नहीं है। अगर अगर C2 नहीं दिया होता, अगर C2 ना होता, खाली वायर होती, ये वायर भी ना होती, कुछ भी ना होता, फिर ये दोनों सीरीज में हो जाते। सही, शॉर्ट सर्किट का केस है, वो कुछ बताऊंगा, कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, वो आएगा, ठीक है। यहाँ तक शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं उसे, वो आग भी लग जाती है, शॉर्ट सर्किट होगा ऐसा कुछ बोलते हैं, तो वो क्या करता है बताऊंगा मैं। अगर C2 नहीं लेना, वो उसे शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। पर पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो अब ये दोनों किसमें कनेक्टेड हैं, पैरेलल, तो 5 + 5 क्या हो जाएगा, 10, और 10 का 10, राइट। अब ये दोनों किसमें कनेक्टेड हैं, सीरीज, तो सीरीज में 10 और 10, सीरीज में आंसर क्या देगा, 5। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ गई, 5। पर हमने सब पे क्या निकालना है, चार्ज। चलो उल्टा चलते हैं, 1, 2, 3, 4, उल्टा चलो, 1, 2, 3 और वापस 4। अब वापस चलते हैं, तो ये आपके आपके पास चार्ज आ गया। अब ये कैपेसिटर किसका बना हुआ है, इन दोनों का, कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में क्या चीज सेम रहेगी, चार्ज। तो पूछ लो तेरा चार्ज कितना है, ये बोलता है टोटल चार्ज मेरा कितना है, 30। कैसे आया 30, क्योंकि आपने इक्विवेलेंट क्या निकाल दी, कैपेसिटेंस। वी आपको पता है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता है, ये कैपेसिटेंस पता है, और वी पता है, सॉल्व करके क्या आ गया आपके पास, चार्ज। तो ये चार्ज आ गया। अब क्योंकि ये सीरीज से बना हुआ है, तो अगर ये 30 माइक्रोकूलम है, तो ये दोनों भी 30 30 माइक्रोकूलम है, कोई डाउट इसमें। अब इसके ऊपर चार्ज आ गया। अब मुझे पता है कि ये कैपेसिटर किसका बना हुआ है, इन दोनों का, कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में क्या चीज सेम रहेगी, वी। तो पूछ लो ना, जो इसका वी होगा, इन दोनों का भी सेम होगा। ये कहता है वी निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सी पता है और चार्ज पता है। तो इसका क्यू पता है, सी पता है, डिवाइड किया तो क्या आ गया, वी आ गया। तो वी कितना आ गया, 3 वोल्ट। अगर ये 3 वोल्ट पे है, तो ये दोनों भी 3 वोल्ट पे है, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक। तो इसका वी निकाल लिया, इन दोनों का वी सेम। तो अब इसका वी आ गया, सी भी पता है, तो क्या आ गया, इसका चार्ज आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू सी इन टू वी, क्यू इज इक्वल टू सी इन टू आंसर। तो पॉइंट समझ में आया कि पहले सीधे डायग्राम फिर उल्टे डायग्राम कैसे चलेंगे इसमें, कोई डाउट इसमें। वो शॉर्टकट है, वो आपके अपने शॉर्टकट्स हैं, वो बनाऊंगा, अभी 5-7 क्वेश्चन करा दूं ना, नेक्स्ट टाइम शॉर्टकट ही करेंगे इसका, कि फटाफट आंसर देखते कैसे आएगा, पहली बार में शॉर्टकट नहीं। क्या ये पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ओके, प्लीज इसके सॉल्यूशन को बिना देखे ए और बी में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें, ए और बी में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें, देखे कौन सीरीज और कौन पैरेलल है।
आ गया, कितना आ रहा आंसर? 20, चेक करते हैं। ओके देखो, तो इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर साफ पता लग रहा है कि ये एक ही वायर का पार्ट है पूरे का पूरा, चेक कर रहे हो। ये तीनों किसमें कनेक्टेड है? इन सीरीज। और ये किसमें कनेक्टेड है? इन पैरेलल। जितना समझ में आया उतना कर दो। तो सबसे पहले सीरीज में है, और अगर सबसे पहले सीरीज में है, देखो अगर ये सीरीज में है तो 60 60 60 सीरीज में, तो 1/C 1/60 1/60 1/60, तो सी कितना आएगा? 20। और ऐसे 10 और 10 प्लस 10 क्या आएगा? 20। तो क्या ये स्टेप क्लियर है? उन तीन की जगह ये 20, उन दो की जगह ये 20 क्लियर है, तो इक्विवेलेंट डायग्राम क्लियर है। अच्छा, उसके बाद ये दोनों किसमें कनेक्टेड है? इन पैरेलल। कैसे पता लगा? वैसे तो एक्सपीरियंस से पता लग ही रहा होगा, पर देखो जंक्शन है ना, तो अगर ये V1 है तो ये V1 है, तो यहाँ से जंक्शन है, ये जंक्शन है, ये V2 है, तो ये V2 है, ये भी V2 है, और ये V1 है, तो पता लग ही रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस V1 - V2 एंड V1 - V2। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? वैसे अगर पता लग रहा है तो जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। तो इसमें ये दोनों पैरेलल में 20 + 20 क्या आएगा? 40। इसको छेड़ना नहीं है ए और 40, इन दोनों की जगह एक 40 और 40 किसमें? सीरीज में। तो आंसर क्या आएगा? 20। तो क्या ये स्टेप क्लियर है? कैसे देखने समझ में आ रहा है यहां तक? ये क्लियर है, 20 20 किसमें? पैरेलल। 20 + 20 कितना? 40। और जो आंसर आएगा इस 40 के साथ इन सीरीज, तो सीरीज में C1 × C2 / C1 + C2 भी लगा सकते हो, तो आंसर क्या आएगा? 20। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो प्लीज। इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ध्यान आगे प्लीज, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस गिवन है। इस पूरे को अगर सॉल्व करेंगे ए और बी के सर्किट को, आंसर 1 आता है। तो कह रहे हैं इस कैपेसिटेंस सी की वैल्यू बताओ क्या होगी। ये सब कैपेसिटेंस गिवन है, सी अननोन है, आप पूरे को सॉल्व करो, सी की फॉर्म में सॉल्व करो, और नेट आंसर को क्या पुट करो? 1, और सी निकालो, सी निकालो। तो कहाँ से स्टार्ट किया? ये तो दिख ही रहा होगा, ये दोनों किसमें हैं? इन सीरीज। ये दोनों किसमें हैं? इन, जितना आता है उतना तो कर ही लो, नया डायग्राम बना लो, आगे तो बाद में देख लेंगे, ठीक है? तो भी मत करो सॉल्व, कोई बात नहीं। ये देखो, तो इस क्वेश्चन के अंदर ये दोनों सीरीज में, तो 6 और 12 सीरीज में, तो आंसर क्या आएगा? इन दोनों की जगह 6 और 12 अगर सीरीज, तो आंसर क्या आएगा? 4, ठीक है? तो सॉल्व ये किया हुआ है इसमें, किया नहीं हुआ इसमें मैंने 6 और वो, चलो खुद निकाल लेना, कोई बात नहीं। तो इसमें 6 और 12 किसमें? सीरीज में, तो आंसर क्या आएगा? 4। 2 और 2 सीरीज में, तो आंसर क्या आएगा? 4। तो नया डायग्राम बन गया, क्लियर है नया डायग्राम, सबको क्लियर है? अच्छा आगे देखो, अब ये दोनों किसमें कनेक्टेड है? इन पैरेलल। तो 4 और 4 पैरेलल में, इसकी जगह 8। 8 और 4 किसमें कनेक्टेड है? सीरीज। तो 8 और 4 सीरीज में, तो आंसर क्या आ रहा है? 8/3। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो फिर से नया डायग्राम बन गया।
अब ये 1 और 8 किस में कनेक्टेड है, सीरीज, तो 1 1 बाई सी 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 8 करके C1 C2 C1 प्लस C2 भी लगा सकते हो, क्या आएगा 8 बाई 9। ये दोनों पैरल में कैसे होंगे, मैंने बोला ही नहीं, मैंने पैरल बोला, ये 2 प्लस 2 4 बोला मैंने, ठीक है। तो ये क्लियर है, तो ये दोनों की जगह एक कैपेसिटर लगेगा 8 बाई 9। अब ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल, और अगर पैरेलल है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या आएगी, 32 बाई 9। अब 32 बाई 9 के एंड में क्या लगा हुआ है, सी, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, इन सीरीज, तो सीरीज में 1 बाई सी इक्विवेलेंट इज 1 बाई सी प्लस 1 बाई 32 बाई 9। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी गिवन है, 1, सॉल्व करके सी कैन बी कैलकुलेटेड। मेथड समझ में आया, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर, यस सर, ठीक है, ठीक है, ओके। अब जैसे ये एक क्वेश्चन है, अब एक चीज नोट करो, सीरीज पैरेलल के अंदर मैंने क्या बताया था, कोई फिक्स फॉर्मूला तो है नहीं, ये तो हर क्वेश्चन को ट्राई करना पड़ेगा। अब जितने क्वेश्चन हमने किए, देखो आपके नॉलेज बैंक में चले गए हैं वो, अगर वैसा मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया तो आप ट्राई कर सकते हो। अब जैसी नई वैरायटी आई, नई वैरायटी है, अब कर लो ट्राई, अब दिमाग लगाना पड़ेगा नए उससे। अब इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे होंगी, जैसे ये ए पी और ये क्यू है, तो आपको P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, कभी भी यहां से स्टार्ट नहीं करना, जिनके बीच में निकालनी है दूर से स्टार्ट करना है, एंड से स्टार्ट करना है। तो चलो एंड से चलते, और वैसे भी मुझे स्टार्ट क्या करूंगा, मुझे दिखी एक चीज रही है कि कम से कम ये दिख रहा है कि ये दोनों किस में कनेक्टेड है, इन सीरीज, मानते हो? तो अगर ये दोनों सीरीज में है तो इसकी जगह एक कैपेसिटर लगा सकते हैं, जो आंसर आएगा वो इसके साथ किस में होगा, इन पैरेलल, मानते हो? राइट, तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं कि अगर सपोज करो ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर लगेगा जो इसके साथ इन पैरेलल। अब सोचो इन तीनों को सॉल्व करके एक कैपेसिटर लगा दिया जो इसके साथ इन सीरीज, और जो आंसर आएगा पूरे का पूरा वो इसके साथ इन पैरेलल, और जो आंसर आएगा वो इसके साथ इन सीरीज। फिर से देखो, अब फिर से ये दोनों किसमें, इन सीरीज, इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर, तो ये दोनों इन पैरेलल, ये तीनों सॉल्व हो गए, इन तीनों को सॉल्व करके एक कैपेसिटर जो इसके साथ इन सीरीज, इन तीनों की जगह एक लगा दो ना इसके साथ इन सीरीज, फिर इन चारों की जगह एक लगा दो इसके साथ इन पैरेलल, इन पांचों की जगह एक लगाओगे इसके साथ इन सीरीज, जो आंसर आएगा इसके साथ इन पैरेलल, फिर सीरीज पैरेलल सीरीज पैरेलल सीरीज करते रहना। आंसर किया नहीं मैंने सॉल्व ये, बट पॉइंट समझ में आया कि कैसे चलेगा इसमें, मैं तो खुद लिखना था, मैं तो लिखा ही नहीं, इतना बड़ा कौन लिखेगा, बट पॉइंट समझ में आया कि कैसे करना है। पूछो, अच्छा फिर से बताऊं, ये दोनों सीरीज में इमेजिन करो, अगर मैं इन दोनों को हटा देता हूं, मेरा हाथ एक कैपेसिटर है तो इसके साथ इन पैरेलल, ठीक हो गया। अब इमेजिन करो कि इन तीनों की जगह एक कैपेसिटर इसके साथ इन सीरीज, अब इमेजिन करो ये चारों की जगह एक कैपेसिटर इसके साथ इन पैरेलल, अब इमेजिन करो सारे के साथ एक कैपेसिटर इसके साथ इन सीरीज, फिर इस सारे के का सारा इसके साथ इन पैरेलल, फिर पूरे का पूरा सॉल्व करके एक कैपेसिटर इसके साथ इन सीरीज, फिर ये सारा सॉल्व करके जो आंसर है इसके साथ इन पैरेलल। पैटर्न रिपीट ही करता है नॉर्मली, आपको दो पैटर्न ही देखने होते हैं, सीरीज पैरेलल, उसके बाद तो अपने आप ही चल पड़ता है। पॉइंट क्लियर है यहां तक? देखो क्वेश्चन ना है, एक वैरायटी तो है, ये भी समझ में आ रहा है यहां तक? ओके, तो एक और क्वेश्चन आपके नॉलेज बैंक में ऐड होता है कि हाँ अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी तो मैंने कैसे इसका इसको क्रैक करना है। ये प्रॉब्लम है, अगर आप मुझे इसको सॉल्व करके दिखाओ सीरीज पैरेलल, तो
ठीक है, मानूंगा कि सी पैरल दिख रहा है आपको। देखो आसान, मुश्किल नहीं है। एक पॉइंट को समझो, आप कभी उसमें गए हो, कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ठीक करने गए हो? नहीं गए। कभी चले जाना, और कभी इसको इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को एक ना वो एम मीटर मल्टीमीटर लेके घूम रहे होते हैं, है ना? तो कभी भी देखना, जब आप लैब में जाओगे इलेक्ट्रॉनिक, तब भी आपको दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को तो पता ही होता है कैसे चलाना है। वो सारा दिन ना वही चेक करते रहते हैं, वो टिक 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 करके कि इसमें कितने वोल्ट आ रहे हैं इसमें, क्योंकि जहाँ वो सेम पोटेंशियल पे है वहाँ करंट नहीं दौड़ेगा, उसको पता लग जाएगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं ना। तो वो यही चेक करते रहते हैं जंक्शन पे लगा लगा के कि इसमें कितना पोटेंशियल, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है या नहीं है। हम भी एक्चुअल में, हमारे पास बस मीटर नहीं है, फिजिक्स होनी तो यही चाहिए कि यहाँ पर टीचर वो बैटरी लगाए और यहाँ पर पूरा सर्किट ड्रॉ करे और फिर उसमें एम मीटर लगा लगा के दिखाई देगा, इसमें करंट आ रहा है, देखा इसमें ये पोटेंशियल है। ऐसा है नहीं, या हिट एंड ट्रायल है। अब कोई कहते हैं इसमें कितने जंक्शन है, ओके जंक्शन की पहचान का आंसर दे देता हूँ। जंक्शन की पहचान है जहां दो तारें मिलती हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, वो जंक्शन है। तो बताओ इसके अंदर क्या ये जंक्शन है? ओके। क्या ये जंक्शन है? तीन तीन तारें जा रही हैं, और क्या चाहिए? जंक्शन है। क्या ये जंक्शन है? जंक्शन है। क्या ये जंक्शन है? ये भी जंक्शन है। क्या ये जंक्शन है? ये भी जंक्शन है। कुल मिला के कितने हो गए? छह हो गए। सही आंसर था आपका छह। ठीक, क्या क्वेश्चन है? यहां तक क्लियर है? अब प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम यह है, इसमें मुझे कोई भी सीरीज में नजर नहीं आ रहा, एक वायर में कैपेसिटर नजर नहीं आ रहे। अब मेरा दिमाग कह रहा है देखो सीरीज में तो दिख नहीं रहे, चलो पैरल देखते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि सीरीज में देखना है आसान और पैरल में देखना है मुश्किल, क्योंकि उसमें करना होता है वी वन वी टू की टेस्टिंग, ऐसे ही है ना? हाँ, वैसे तुक्के से कोई कर दे यार मुझे लग रहा है, यार ये पैरल लग रहा है, मुझे लग रहा है, हाँ मुझे ये भी लग रहा है, लग रहा है, ये भी लग रहा है, हिट एंड ट्रायल मारे जाओ। और बनाने वाला आपसे ज़्यादा होशियार है, चार ऑब्जेक्टिव के अंदर आपकी चारों ऑप्शन दे देगा, वो आपका आंसर तो ठीक आएगा ही आएगा, पक्की बात है, ये मज़े की बात है। हाँ, आपका आंसर तो ठीक ही आने वाला है, लेकिन वो सही होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं है ये। तो अब इसमें हिट एंड ट्रायल कैसे करना पड़ेगा? आपको वही मेरा तरीका यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने ऐसा किया, इस जंक्शन को मान लिया V1, अगर ये V1 तो ये भी V1, ये भी V1, ये भी V1 और ये भी V1, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं। और अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो अगर ये V1 है, V1 है, ये V1 है, ये V1 है, ये V1 है और ये V1 है, ओके। ये जंक्शन किस पे ले लिया? V3 पे। तो ये V3 है, ये V3 है, ये V3 है, डन। ये ले लिया V2 पे, V2 है, V2 है, V2 है। ये ले लिया V4 पे, V4 है, V4 है, V4 है, V4 है, डन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना? V1 माइनस V3, V1 माइनस V3, चलो पता लग गया। ये दोनों किसमें? इन पैरेलल।
वी टू माइनस वी फोर किस में कनेक्टेड है? इन पैरेलल। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब इसका डायग्राम रीड्रॉ कर लें थोड़ा सा, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो मुझे ये पता लग रहा है कि ये दोनों पैरेलल में है। इधर देखो, ये दोनों पैरेलल में है, इसको तो मैंने टच ही नहीं किया, ऐसे लिख दिया। ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, इसको मैंने टच नहीं किया, तो एंड में आप चेक करो। तो ये देखो, ये दोनों पैरेलल में है, तो ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, तो ये दोनों पैरेलल में है, इसको एज इट इज, इसको नीचे एज इट इज, तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्लियर है। ऐसे ही है, दो पैरेलल में, दो पैरेलल में, दो को छेड़ा ही नहीं। अब आसान हो गया सर्किट। कैसे? ये दोनों पैरेलल में है तो सी प्लस सी विल गिव टू सी, सी को तो छेड़ा नहीं, सी प्लस सी टू सी, तो टू सी और सी सीरीज में है, तो क्या करेंगे? टू सी इंटू सी अपॉन टू सी प्लस सी, कितना आएगा? टू सी बाई थ्री। ये रहा, नीचे भी टू सी बाई थ्री, ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। ऐड कर दो फोर सी बाई थ्री। क्या ये पॉइंट क्लियर है? मेन बात तो वही थी कि एक बार बस ये पता लग जाए कि कौन सीरीज में कौन। अगर स्टार्टिंग ऑफ क्वेश्चन समझ में आ जाता है, फिर एंड में सही हो जाता है। वो बीच में ब्रेक करना सबसे मुश्किल काम है, जो प्रैक्टिस से आएगा। अब आपके खाते में एक और क्वेश्चन, एक और वैरायटी ऐड हो गई। आज के बाद ऐसी प्रॉब्लम आएगी, आपको पता है कि इसको कैसे क्रैक करना है। यही प्रॉब्लम है, तभी तो बोल रहा था शॉर्टकट ही नहीं है। आपको महीना यही करना पड़ेगा, 10 दिन कैपेसिटर की प्रैक्टिस। रजिस्टर की प्रैक्टिस कम टाइम लेती है, कैपेसिटर ज़्यादा मुश्किल है। ये थोड़ा मुश्किल लगता है, रजिस्टर में करंट पास होता है, तो उसके अंदर थोड़ा इजी है टू डिसाइड कि सीरीज है या पैरेलल है। ऊपर से आपने रजिस्टर्स को 10th में कर भी रखा होगा, तो थोड़ा आइडिया आपको पता है उसमें ओम्स लॉ कैसे लगाना है। तो उसका उसका जो काम है वो काफ़ी कम हो जाता है रजिस्टर का, कैपेसिटर में ज़्यादा एफर्ट लगता है। ठीक है, तो मतलब ये अगर डिटेल में कर लेंगे तो वो तो समझो 50% अपने आप कवर ही हो जाएगा इसमें, तो उसमें कम टाइम लगेगा हमें। ये लो, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है ए और बी में, निकालो फिर लगाओ। V1 V2 सीरीज में तो दिख नहीं रहा कोई, पैरेलल में कौन होगा चेक करना पड़ेगा। लगाओ जंक्शन पे V1 V2 जो लगाने लगाओ। मालूम देखो कितना आंसर चेक करें। इसका आंसर है कितना है? 8/3। 8/3 देखो देखो, मेरे पास और कोई तरीका ही नहीं है इसको सॉल्व करने का। मैं यहां से स्टार्ट हो जाऊंगा VA। अगर ये जंक्शन वी ए पे है तो ये भी वी ए और ये भी वी ए। अगर ये वी ए है तो ये भी वी ए, ये भी वी ए। ये एक नया जंक्शन है वी वन, तो ये वी वन, तो ये वी वन, तो ये वी वन, तो ये भी वी वन, ये वी बी, वी बी, वी बी। अब चेक कर लें सारे प्लेट पे आगे पोटेंशियल। तो पोटेंशियल इसमें कितना? वी वन माइनस वी ए। इसमें कितना? वी वन माइनस वी ए। तो ये दोनों किसमें कनेक्टेड है? इन पैरेलल। लेकिन ये डिफरेंट है, ये दोनों कुछ नहीं है, ये ऐसे रखने पड़ेंगे। ये पैरल में नहीं आए, देखो ये पैरल में आ गए। वी ए माइनस वी वन, वी ए माइनस वी वन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो आप एक काम कर सकते हो, वन और वन पैरल में है, इसको टच नहीं करना। वन को वन, टू को टू नहीं टच करना। ये दोनों पैरल में है, वन प्लस वन कितना? टू। तो इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर आ गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब ये दोनों किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में। तो टू इंटू वन बाई टू प्लस वन, और ये क्या है? टू। तो ये दोनों किसमें कनेक्टेड है? पैरल। तो ऐड कर दो आंसर 8/3। मेन बात तो वही थी, वी ए वी बी। वो करने से बंदा डरता है कि कौन लगाएगा यार, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, ऐसी पता लग जाए ज़्यादा मजे की बात है, देखते ही तो ज़्यादा अच्छा लगता है।
पर फंस जाते हो कभी कभी, बट बाय प्रैक्टिस ठीक हो जाएगा। सारी प्रॉब्लम एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी ने एसएल रोडा की प्रॉब्लम नहीं है सारी की सारी। फिर जैसे जैसे एक लेक्चर और जाएगा थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा, पर वैसे एनसीईआरटी और मेंस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसमें। वैसे बता देता हूँ कि मेंस के अंदर अगर आप ये सोच रहे हो कि नीट में ये सोच रहे हो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी, बढ़िया टॉपिक है या मुश्किल टॉपिक है, मैं कैसे करूँगा, बहुत कम चांस है। आप कहोगे अच्छा बहुत कम चांस है, बहुत बेसिक प्रॉब्लम आती है अगर आएगी, बहुत खतरनाक नेटवर्क आते नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर के साथ रजिस्टर हमने स्टडी करना है अभी, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और वो नॉन मेडिकल वालों को उसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा आता है, जिसको आरसी सर्किट बोलते हैं। मेडिकल में आरसी सर्किट नहीं आते, आर और सी का कॉम्बिनेशन नहीं आता, मेडिकल वालों को ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो नीट में ऐसा आ सकता है। नॉन मेडिकल में दे दूंगा, देख लेना खुद ही कैसा आता है, आने को तो बहुत आसान भी आ जाएगा, नहीं आने को तो कुछ और ही आ जाएगा, क्या ही कह सकते हैं, प्रैक्टिस है। तो हम हर चीज़ एक बार टच करके जाएंगे, बेसिक से लेके एंड तक। राइट, क्लियर है यहाँ तक? इस क्वेश्चन को देखते हैं पहले। ये रहा, ये क्वेश्चन है, इसके अंदर पैटर्न रिपीट हो रहा है। देखो ये तो बिल्कुल कमाल ही हो गई, वन और टू, वन और टू, वन और टू, वन और टू, कहां तक? इन्फिनिटी तक। अब कर लो काउंट जो करने हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। ठीक है, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? क्या क्वेश्चन है, क्लियर है? अब इसको करने का एक स्टाइल है, मैथ्स में एक क्वेश्चन करवाया जाता है क्वाड्रेटिक में, क्या अंडर रूट ऑफ टू प्लस अंडर रूट ऑफ टू प्लस अंडर रूट ऑफ टू अप टू इन्फिनिटी को सॉल्व करो। तो मैथ्स के लोग कहते हैं कि मेरे पास 2 करोड़ रुपए हैं, ऐसे करते करते 2 रुपए गिर भी गए तब भी 2 करोड़ ही माने जाएंगे। तो यानी कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, 2 रुपए चले भी गए तब भी बहुत सारे पैसे ही रहेंगे। तो यानी कि अगर इस पूरे का आंसर एक्स है और अगर 2 छोड़ भी दूं तो बचे हुए आंसर को भी क्या लिखेंगे? एक्स ही लिखेंगे। तो मैथ्स के लोग क्या करते हैं, एक जो रिपीटिंग पैटर्न है अंडर रूट ऑफ टू रिपीट हो रहा है तो एक पैटर्न को छोड़ देते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स, और इसको पूरे को सॉल्व करके भी आंसर क्या आता है? एक्स। तो इसको स्क्वेयर करते हैं, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, आंसर आता है। पर हमने ऐसा क्वेश्चन करना नहीं है, तो बता रहा हूँ ऐसा कुछ तरीका है मैथमेटिक्स में जिससे कि इन्फिनिटी की टर्म को सॉल्व करते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हमारे पास क्या है, हमारे पास ये रिपीटिंग पैटर्न है, कौन कौन से? वन टू, वन टू, वन टू, वन टू, वन टू। तो अगर मैं इसके अंदर से ये मानता हूं कि टोटल कैपेसिटेंस पूरे सर्किट की सी है, और अगर मैं एक रिपीटिंग पैटर्न छोड़ भी देता हूं और इसको सॉल्व करता हूं तो भी मेरा आंसर क्या माना जाएगा? सी ही माना जाएगा। वन और टू हटा दोगे तो भी आंसर सी ही रहेगा। क्लियर है? मैंने यही किया तो मैंने ये माना, इसको तो छोड़ छेड़ा नहीं हमने, मान लिया कि इसकी जगह क्या लिख दिया? सी। तो मेरा डायग्राम क्या बना? मेरा डायग्राम ये बना, वन और टू को छोड़ दिया, पूरे सर्किट को सॉल्व करके पीछे क्या लगा दिया? सी। अब ये दोनों किसमें कनेक्टेड है? इन सीरीज। तो टू इंटू सी, टू प्लस सी, और जो आंसर आएगा इस वन के साथ इन पैरेलल। तो ये टोटल कैपेसिटेंस आ गई, लेकिन फाइनल आंसर भी क्या आएगा अल्टीमेटली? सी, क्योंकि वो छोटे वाला पैटर्न भी सी है और टोटल आंसर भी सी। तो इसको एलसीएम लो, सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक बनाओ, सॉल्व करो, नेगेटिव कैपेसिटेंस होगी नहीं, पॉजिटिव इज द आंसर, डन। तो मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे एक रिपीटिंग पैटर्न को छोड़ देना है और बाकियों को क्या मान लेना है? सी आंसर। कोई डाउट इसमें ऑनलाइन वालों को? क्लियर है? देखो मैंने ये कहा कि इस वन और टू को छोड़ दें, इस पूरे की जगह सी लगा दो एक, ये बन गया, पूरे को सॉल्व करके भी आंसर सी। तो ये दोनों सीरीज में है, तो टू सी वन सी टू बाय सी वन प्लस सी टू, इसके साथ ये पैरेलल में है, तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर इक्वल टू सी आंसर। ठीक, देखो एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको 4 कैपेसिटर्स गिवन है और एक बैटरी गिवन है। देखो आप एक चीज नोट कर रहे हो, वैरायटी है, आप कैसे एक वैरायटी को देखते जा रहे हो और आपके दिमाग में बैठती जा रही है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको आप मैच करोगे किस टाइप की प्रॉब्लम की कैटेगरी हमने की हुई है,
तो आपके लिए क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। तो हमने यही करना है, अगला लेक्चर भी ऐसे ही चलेगा, अगला लेक्चर भी पूरा पूरा न्यूमेरिकल्स पे चलेगा और वैरायटी है उसका। अगला लेक्चर भी क्या चलेगा, यही चलेगा, एक और वैरायटी है। तो दो लेक्चर और लगेंगे जिसमें इतनी वैरायटी होगी कि फिर क्वेश्चन अपने आप 80% क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे घर जाके जो करोगे, पर करना तो आना चाहिए पहले। तो यही प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसमें C1, C2, C3, C4 आपको वो ये कह रहा है कि ये एक वायर है जिसके ऊपर आपने दो पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट क्या ले लिया VA, एक पॉइंट क्या ले लिया VB। कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस निकालो VA माइनस VB। मैं जब ये क्वेश्चन करवा रहा था तो कोई कहता सर ये जंक्शन है, कईयों को लगा ये जंक्शन है। नहीं, जंक्शन होता है जब दो तारें बीच में जाएंगी, अलग अलग वायर्स, इसमें ये सिंगल वायर है, दिस इज नॉट अ जंक्शन। तो फिर ये पॉइंट कहाँ से आया, वो कहते कोई भी आर्बिट्री पॉइंट ले लिया, जैसे ये वायर है, वायर के अंदर कोई पॉइंट ले लिया जिसका पोटेंशियल VA, उसे कुछ भी पोटेंशियल दे दिया। तो एक पोटेंशियल वो कह रहा है VA, यहाँ का पोटेंशियल VB, और आपको डिफरेंस निकालना है पोटेंशियल का, राइट। तो जब मैंने ये बोला कि ये दो कैपेसिटर सीरीज में हैं, तो कितने लोग कहते हैं हाँ ठीक है बात, ये दो कैपेसिटर सीरीज में हैं, ये दो कैपेसिटर सीरीज में और आपस में ये पैरेलल में, कितने लोग एग्री करते हैं बात सही है, करते हैं। कितनों को लगता है यार ये सीरीज कैसे हो सकता है, बीच में पॉइंट आ गया, लगता है पॉइंट आया पर दिस इज नॉट अ जंक्शन। देखो पॉइंट आर्बिट्री उसका मन का पॉइंट है, कोई भी ले सकता है वो पॉइंट। पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि वो चार्ज को जाने नहीं दे रहा, वायर से तो कनेक्टेड है ना दो कैपेसिटर, तो ये सीरीज में रहेंगे। तो ये दोनों किसमें है सीरीज में, और ये दोनों किसमें सीरीज में, बिल्कुल ट्रू है। लेकिन अगर मैं एक तीसरी वायर ले आता, थर्ड वायर, और मैं कहता लो यहाँ एक चार्ज यहाँ से भी जा रहा है, नहीं फिर ये सीरीज में नहीं होते, फिर ये प्रॉपर जंक्शन बनता। क्लियर है ऑनलाइन वालों को, क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ। देखो ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है और आपके लिए ये क्योंकि देखो इस टाइप के प्रॉब्लम आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि बीच में वायर के बीच में कोई दो पॉइंट्स लेना और उनका पोटेंशियल निकालना, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया नहीं है। तो आपने कैसे करना है उसका तरीका देखना है। सबसे पहले ये बैटरी है 12 वोल्ट की, दो टर्मिनल्स अलग अलग पोटेंशियल पे होते हैं। तो अगर ये 12 वोल्ट है तो बड़े वाला टर्मिनल मान लो 12 वोल्ट पे है, तो छोटे वाला मान लेते हैं 0 वोल्ट पे है। ये ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी कर सकते हो, ये V1 वोल्ट पे है, ये V2 वोल्ट पे है, सच दैट V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 12। पर बेस्ट तरीका 12 और 0 होता है, क्योंकि कैलकुलेशन करनी इससे आसान होती है और नए वेरिएबल भी क्रिएट नहीं होते। तो एटलीस्ट ये तो पता ही है ना कि ये 12 ले लिया और ये 0 ले लिया, एटलीस्ट पता है कि अगर ये 12 है तो ये वायर फर्दर इसके साथ कनेक्टेड, तो ये भी 12 ही है। तो ऑब्वियसली अगर ये 12 है, ये 12 है, तो ये भी फर्दर प्लेट किस पे आएगी 12, और ये प्लेट भी किस पे आएगी 12। अगर ये VA है तो ये किस पे आएगी VA, और ये किस पे आएगी VA। ये VB तो ये किस पे आएगी VB, ये किस पे आएगी VB। अगर ये 0 है तो 0, तो ये किस पे आएगा 0, ये किस पे आएगा 0। बना लिया, ठीक है यहाँ तक कोई डाउट इसमें? अब मुझे एक चीज़ बताओ, कैपेसिटर C1 में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12 माइनस VA, देख रहे हो कैपेसिटेंस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 माइनस VA। C2 में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है VA माइनस 0। C3 में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 माइनस VB। C4 में कितना है VB माइनस 0। बना लिया, पोटेंशियल डिफरेंस बन गए सबके। अब इसका ट्रिक देखो क्या करेंगे। ट्रिक ये है कि इसमें इन दोनों को सीरीज में लगा सकते हैं, और सीरीज में दोनों में चार्ज क्या रहेगा एग्जैक्टली सेम। तो इस पे चार्ज क्या होगा, Q इज इक्वल टू सी इन टू इसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज दोनों का सेम है, तो एक काम करते हैं इस पे चार्ज निकालते हैं। चार्ज क्या होगा, इसकी कैपेसिटेंस C2 इन टू पोटेंशियल डिफरेंस, और C2 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है VA माइनस 0। चार्ज आ गया, फिर से इसका चार्ज क्या होगा C1, और C1 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 माइनस VA। कोई डाउट इसमें? तो ये मेरे पास क्या आ गया, चार्ज इक्वेट कर दिया। जैसे ही मैंने चार्ज को इक्वेट किया, C1 पता है C2 पता है, क्या वेरिएबल रह गया VA, सॉल्व करो VA आ गया। क्या सही तरीका है, एक मिनट में VA निकाल दिया। क्लियर है? फिर देखो
अब ये दोनों कैपेसिटर्स किसमें कनेक्टेड है इन सीरीज, इस पे चार्ज बोलो सी थ्री इन टू, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना 12 माइनस वी बी, इसका चार्ज बोलो सी फोर इन टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना वी बी माइनस जीरो, ये ना इक्वेट कर दिया सी फोर सी थ्री पता है वी बी आ गया, वी ए आ गया वी बी आ गया, आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वी ए माइनस वी बी, माइनस कर लो आंसर 4 वोल्ट। अब ये एक नई वैरायटी है, ऐसी वैरायटी तो नहीं देखी क्योंकि सी पैरेलल का प्योर क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ एक नया टाइप है तो आपको समझ में आता है कि इस टाइप की प्रॉब्लम को आगे फर्दर कैसे सॉल्व करना है। कोई डाउट इसमें, आइडिया क्लियर है यहाँ तक? किसमें माइक्रो फेरेड है? हाँ नहीं वो तो माइक्रो कट गया ना, माइक्रो ये दोनों तरफ से काट ही दिया, तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक, एक ना ऑब्जेक्टिव की शीट दी थी मैंने, शायद 13 एंड 14 होमवर्क चल रही थी हमारी ना, वो करनी थी। ये थी एक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की, हाँ तो कितने लोगों ने ट्राई कर ली थी ये? ओके कर ली थी। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में डाउट, 1 में इक्विपोटेंशियल्स एट अ ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम कलेक्शन ऑफ चार्जेस हुज टोटल सम इज नॉट जीरो आर अप्रोक्सीमेटली, कह रहे बहुत सारे चार्ज पड़े हैं Q1, Q2, Q3, Q4, तो एक 2 कूलम चार्ज है, 3 कूलम है, एक -1 है, तो उनका सम नॉन जीरो है, तो कोई तो चार्ज अंदर बचेगा जब ऐड करोगे, जब कोई चार्ज बचेगा वो पॉइंट चार्ज होगा, पॉइंट चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बनती है? एक इमेजिनरी स्फेयर, आंसर इज स्फेयर। ले लो ग्रेट भी ले लो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉइंट चार्ज की क्या बनेगी? स्फेरिकल बनेगी, तब भी ले लो, एक चार्ज वहां बना देगा एक चार्ज वहां बना देगा, चलो ऐसे कर लो। नहीं, एक चार्ज चलो आप अपने घर में ले जाओ, एक चार्ज मैं अपने घर में ले जाता हूँ, मेरे से पूछते हो इक्विपोटेंशियल मैं कहूँगा स्फेयर, तुमसे पूछोगे तुम भी कह देना स्फेयर, भले जब तक वो चार्ज जीरो नहीं होता, जब तक चार्ज एग्जिस्ट करेगा पॉइंट चार्ज तब तक वो स्फेयर ही बनाएगा, बात ही खत्म, या वो नेट चार्ज जीरो कर दे फिर नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3, 4 कर लिया था वैसे ही, 5, 6, 6 ये वाला, इसके अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एज शोन पोटेंशियल एट पॉइंट पी, हाँ ये कंडक्टर हो गया ना, इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर निकल गए सरफेस के, किसी भी कंडक्टर के अंदर ई क्या होता है? जीरो, वी क्या होता है? कांस्टेंट, कांस्टेंट इज नॉट जीरो, आंसर कुछ ना कुछ वी तो रहेगा ही। क्वेश्चन नंबर 7, 7, 7 में ना ये पॉजिटिव प्लेट है ये नेगेटिव प्लेट है, प्लेट कैसे पता लगा? सिग्मा, सिग्मा प्लेट का चार्ज होता है, तो प्लेट है ये देखो ये सिग्मा ये माइनस सिग्मा, तो यहाँ पर +1 रखा मैंने, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड देखता हूँ, प्लस ने प्लस को रिपेल किया माइनस ने प्लस को अट्रैक्ट किया, तो नेट ई कहाँ आएगा? इस तरफ, दोनों वेक्टर का सम। फिर ऐसे ही यहाँ रखा +1 तो प्लस ने प्लस को रिपेल किया माइनस ने अट्रैक्ट किया, इन दोनों का वेक्टर सम इधर, ऐसे ही इसका इधर, तो डायग्राम क्या बनेगा? देखो ये देखो डायरेक्शन देख रहे हो, कोई भी एक सॉल्व कर लिया 1, 2, 3 और 4, तो जो इस तरफ जा रही है डायरेक्शन उसका आंसर मार्क कर देना। ये समझ में आ गया आपको? ये मैंने बोला ना आपको, इस केस में ये +1 है, ये +1 है, सिग्मा प्लस ने प्लस को रिपेल किया माइनस ने इसे अट्रैक्ट किया, तो नेट वेक्टर इधर नहीं आ गया, वेक्टर सम। ये E1 है एक प्लेट का, ये E2 है दूसरी प्लेट का, ये अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर नहीं होगा ऐसा कुछ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा ना, पूछो। ये एक्स जेड है, ये भी एक्स जेड ही तो है, चेंज ही किया एक्सेस उसने, एक्स जेड चेंज नहीं है, ठीक है ना?
तो इस तरीके से आप कर सकते हो। वैसे एक और तरीका है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, डन, खत्म, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और एट्थ, नाइन्थ, नाइन्थ में कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन इन जेड डायरेक्शन, ये जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, कह रहा है दी पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर बनेगी इक्वी पोटेंशियल, तो इक्वी पोटेंशियल किस में बनेगी, एक्स वाई प्लेन में बनेगी, तो यानी कि एक्स एक्सिस पर भी वी कॉन्स्टेंट होगा, वाई पे भी वी कॉन्स्टेंट होगा, एक्स वाई प्लेन पे भी कॉन्स्टेंट होगा, इस प्लेन में कोई भी कोऑर्डिनेट होगा वी क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और इक्वी पोटेंशियल उसके क्या रहेगी, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी ऐसे। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है, ठीक। तो प्रैक्टिस करो, अगली शीट के डाउट नेक्स्ट टाइम ऐसे ले लूंगा, खत्म कर दूंगा, उसके अगली शीट होमवर्क दूंगा, वो भी करके आना, व्हाट्सएप पे डालूंगा क्या होमवर्क है।